Yes, वी आर लाइव now. हेलो फ्रेंड्स दिस इज मैंशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न तो आज हम डिस्कस करेंगे जो अभी जनवरी 2024 में पेपर टू हुआ चाइल्ड डेवलपमेंट पैडाकोलॉजी वाला सेक्शन और इस बार का पेपर टू मतलब मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसा लगा कि कंपेरेटिवली ईजी क्वेश्चन थे पेपर वन से है ना हालांकि अभी हम सॉल्व करेंगे पेपर वन पेपर टू दोनों ही सॉल्व करेंगे और मैंने प्रॉपर इसको एनालाइज करके रखा हुआ है कि कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से हैं ताकि Uh, हमें ये गलत फहमी ना रहे कि सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जा नहीं रहे हैं या कुछ भी इस तरह का कोई भी हम नेगेटिव अपने दिमाग में कोनोटेशन बना ना लें ठीक है तो समझेंगे और आप ये देखेंगे आपको पी मिल जाएगा कि क्वेश्चंस उसी तरह से डिवाइडेड भी हैं जिस यूनिट से जितने क्वेश्चन आने चाहिए एग्जैक्ट वैसे ही हैं यूनिट वन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि यूनिट वन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं यूनिट थर्ड आपकी ऑलमोस्ट कवर्ड हो जाती है है ना तो समझेंगे कहानी क्या है ये इंपॉर्टेंट है जानना क्योंकि प्रीवियस ईयर से ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है आपका सिलेबस ही हो सकता है अगर हुआ तो अगर मैं सीटेट की बात करूँ तो नहीं तो सिलेबस से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कई बार प्रीवियस ईयर हो जाते हैं क्योंकि वो पैटर्न बता पाते हैं सिलेबस में से क्या चीज़ें आ रही हैं क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं ये आपको प्रीवियस ईयर के माध्यम से ही पता लगेगा सिर्फ सिलेबस अकेला नहीं बता पाएगा तो पोल आपके सामने आएगा और क्वेश्चन आपको सॉल्व करते जाना है और समझते जाना है प्रॉपर डिस्कशन करेंगे जो आपका जुलाई 2024 हज़ार या आगे आने वाले जितने भी सीटेट होंगे ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर तो करके ही जाना है मस्ट है प्रीवियस ईयर और सिलेबस तो सभी गुड इवनिंग नमस्कार राम राम सत यू फील कनेक्टेड विद स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ये पेपर वन वाले भी जरूर देखें इसको और पेपर टू वाले तो देखेंगे ही क्योंकि सिलेबस डिटो सेम है कल हम पेपर वन करेंगे या परसों करेंगे कल कुछ और करेंगे तो दोनों ही हम एनालाइज कर लेंगे ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स को हम एनालाइज करेंगे ठीक समझते हैं कहानी क्या है ये अभी इक्कीस जनवरी को जो पेपर हुआ था पेपर टू वाला सेक्शन है सी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोगोलॉजी का अगर हम देखें तीन यूनिट्स हैं आपकी या मैं कहूँ तीन सेक्शन हैं तीस नंबर का सिलेबस है सिलेबस जब हमने डिस्कस किया था इससे पहले वीडियो में जेंडर से एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन ऐसा है जो स्टीरियोटाइप से अलग से है कि टीचर्स को अपने स्टीरियोटाइप पे फोकस करना चाहिए तो जिन्होंने स्टीरियोटाइप पढ़ा है जेंडर में वो वो क्वेश्चन ईजिली कर जाते तो उसका म, मन करे मैंने उसको जेंडर में डाला नहीं है क्योंकि वो अलग आपका टीचिंग लर्निंग वाले टॉपिक में चला जाता है नहीं तो अगर आपने जेंडर अच्छे से पढ़ा है तो आप दो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर जाते ठीक लबर्ग से सीधे दो क्वेश्चन है कैरल ग्लिगन वाला और एक मॉरलिटी uh, uh, की स्टेज वाला कि लॉ को किस समय पे फॉलो करता है अभी हम क्वेश्चंस करेंगे जैसे पेपर में आते हैं जिस पॉइंट में आते हैं उसी तरीके से कंस्ट्रक्टिविज्म कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब रचनावाद इससे पांच क्वेश्चन क्या है भाई इसमें एक तो मीनिंगफुल लर्निंग कैसे होती है रचनावाद क्या है दूसरा प्याजे से क्वेश्चन वाइगॉस्की से क्वेश्चन है ना वाइगॉस्की से आई थिंक तीन क्वेश्चन है प्याजे से एक या दो क्वेश्चन है और एक कंस्ट्रक्टिविज्म से क्वेश्चन है है ना तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपको पता है प्याजी और कोहलमर्ग मिलकर के सात से आठ नंबर की वेटेज लेके जाते हैं पेपर में हर बार का है और ये डेवलपमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन दो हैं इनडायरेक्ट कई बार ऐसे अजर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं जो आपके कई टॉपिक्स में मिक्स हो जाते हैं वो फिर प्रोग्रेसिव एजुकेशन से दो क्वेश्चन इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसको व्यक्तिगत तो विभिन्नताएं कहते हैं सीसीई से एक क्वेश्चन इंटेलिजेंस से एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन में अजर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन में भी इंटेलिजेंस का यूज हुआ है उसको मैंने यहाँ काउंट नहीं किया जो इंडिविजुअल अलग से क्वेश्चन पूछा हुआ है इंटेलिजेंस पे उसको यहाँ पे मैंने काउंट किया है तो आप समझ पा रहे हैं एक टॉपिक का फायदा कई जगह होगा क्योंकि जब अजर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहां मान लीजिए अजर्शन डेवलपमेंट टॉपिक से पूछ लिया कथन जो है और कारण उसका इंटेलिजेंस से दे दिया तो दो टॉपिक आ गए एक ही क्वेश्चन में तो इसलिए जरूरी है कि आप फर्स्ट यूनिट को बहुत अच्छे से करें सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें सामाजिकरण एक नंबर का क्वेश्चन इस पर अच्छा क्वेश्चन है वो अभी समझेंगे लर्निंग से तीन क्वेश्चन थिंकिंग टीचिंग लर्निंग दोनों इसी में आ जाते हैं थिंकिंग से तीन क्वेश्चन डायरेक्ट क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह पे क्वेश्चन नहीं है बट इनडायरेक्ट है जैसे आया करता था पुराने जमाने से कॉग्निशन एंड इमोशन संज्ञान एवं संवेग एक नंबर का मोटिवेशन अभिप्रेरणा दो नंबर की है ना और इंक्लूसिव एजुकेशन जो समावेशी शिक्षा जिसमें आपका आ, इसमें हम अलग से लगा देते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वगैरह को हम इसमें मान के चलते हैं दिया नहीं हुआ सिलेबस में लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनसीएफ इन सबसे आर टी ई इन सबसे कोई क्वेश्चन है नहीं पिछले दो दो बार में अगर आप देखेंगे कम से कम एजुकेशन आर पी डब्ल्यू डी एक्ट से भी इस बार क्वेश्चन नहीं है सिंपल क्वेश्चन है आपके डिसेबिलिटी वाले या इंक्लूसिव एजुकेशन की क्या धारणा है ये सब वाले तो पांच नंबर का ये है सिलेबस में पांच नंबर के ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये यूनिट एक दो नंबर एक्स्ट्रा में ही रहती है जबकि इसका पंद्रह नंबर का वेटेज है क्योंकि ये यहाँ भी हेल्प करती है तो ये एक बेसिक सी बात हो गई क्लियर है बात तो पांच नंबर यहाँ टेन फिफ्टीन प्लस मार्क्स पंद्रह सोलह नंबर की यूनिट ये आ गई होगी और दस नंबर में ये तो जिस तरह से सिलेबस में है उसी तरह से पेपर में भी पूछा गया है इसलिए सिलेबस की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है ये सेशन आपको होपफुली पसंद ही आएगा जब हम डिस्कशन करेंगे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आंसर पोल में जवाब देंगे लाइव क्लास में टेलीग्राम चैनल पर इसका पी मिल जाएगा किसी फेक चैनल फेक वेबसाइट से प्लीज़ मत जुड़िएगा मेरे नाम पर कोर्स लेने के लिए है ना अगर कोर्स कहीं मिलता है तो करियर वेल ऐप पर मिलेगा टीचिंग सेक्शन में जाकर के किसी भी फेक वेबसाइट किसी भी फेक चैनल प्लीज़ उससे बचिएगा चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से

फूल आपके सामने है है ना बहुत बढ़िया <coughs> बाकी सब्जेक्ट भी धीरे धीरे करके करेंगे डोंट वरी देखो एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लो अब बातों से हटके क्या क्वेश्चन पूछा है डिसलेक्सिया इज अ डैश कंडीशन विच इंपैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू डैश मतलब अपठन वैकल्य या डिसलेक्सिया जो है एक डैश स्थिति है कैसी स्थिति आप खुद सोचिए जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है यानी डिस्लेक्सिया एक कैसी स्थिति है और शिक्षार्थी की किस क्षमता को प्रभावित करती है सिंपल फिल फिल्म ब्लैंक तो पहला ऑप्शन अगर मैं देखूं यहाँ पे ये पता नहीं बफरिंग क्यों होने लगती है समझ ही नहीं आता है ना अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं तो ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन है यानी शारीरिक स्थिति है जो डिस्लेक्सिया है डिस्लेक्सिया क्या है वन ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटीज है यानी एल बोल देते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अक्षमता नाइनटीन में सेमुअल किर्क नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने एल डी वर्ड दिया था सैमुअल किर्क नाम के एक व्यक्ति थे हिंदी में किर्क लिख देती हूँ जिन्होंने लर्निंग डिसेबिलिटीज वर्ड दिया था यानी अधिगम और क्षमताएं इसमें आपकी कुछ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं जैसे डिस्लेक्सिया डिस्कैलकुलिया डिस्ग्राफिया डिस काम का सोच रही हूँ मैं आपके मतलब हैं तो बहुत सारी जैसे डिस्थीमिया वगैरह आपसे पूछता नहीं है डिस्टोपिया आपसे पूछता नहीं है तो मुख्य रूप से तो तीन चार हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं जैसे डिस्लेक्सिया पढ़ने से संबंधित डिस्कैलकुलिया कैलकुलेशन से संबंधित डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित यही मुख्य या डिस्प्रैक्सिया पूछ लेता है हद से हद तो से तो ये चार आपसे ज्यादा पूछता है ठीक है बात अब ये कैसी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है कोई अच्छा इसमें सिंपल बात आप याद कीजिए तारे जमीन पर मूवी याद कीजिए आपके सामने एग्जाम्पल भी है ईशान अवस्थी बच्चा याद आएगा आपको क्या उसको दिखने में कोई समस्या थी उसको डिसलेक्सिया था मूवी में है ना क्या उसको दिखने में चलने में फिरने में शरीर में कोई दिक्कत थी उसके नहीं

पढ़ने में विफलता है पढ़ने में दिक्कत होती है एंग्टी होती है बच्चे को। तो ये क्या हो गया कंडीशन नहीं है क्योंकि आधी बात सही है ऑटिज्म के बारे में सोशलाइज करने में दिक्कत आती है ऑटिज्म में ऑटिज्म भी एक समस्या है ठीक और फिजियोलॉजिकल आवश्यकता जरूरी नहीं है वो इंपेयरमेंट में हो सकता है जरूरी नहीं ऑटिस्टिक बच्चे को शरीर में ही कुछ दिक्कत हो दिखने में ठीक तो ये पूरा आंसर किसी के भी प्रति सही नहीं है आधा सही है डिस्लेक्सिया इज अ सेंसरी सेंसेस में कोई दिक्कत है देखने में सुनने में चलने में नहीं कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट्स नहीं ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो सकती है इमोशनल प्रॉब्लम है पिक्चर ड्रॉ करने में दिक्कत होती है नहीं ड्रॉ करने में नहीं पढ़ने में दिक्कत है तो ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशनिंग है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है इस पर भी हमने बहुत बार चर्चा की अगर आप प्रीवियस वीडियो सिर्फ यूट्यूब वाली भी देखेंगे क्या है ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है तंत्र की समस्या है स्थिति है अगर मैं कहूं विच इंपैक्ट लर्नर्स एबिलिटी टू लिंक साउंड फोनोलॉजिकल अवेयरनेस बच्चे की डिस्टर्ब होती है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस क्या होती है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस इसको आप आ, या स्वर या स्व साउंड से संबंधित होती है बैस ध्वनि ध्वनियात्मक अवेयरनेस को जो भी कहेंगे ध्वनि एक बार देख लेना आपने आप ट्रांसलेट करके ध्वनियात्मक जागरूकता कह देंगे ध्वनियात्मक जागरूकता से संबंधित है कि ध्वनि के प्रति जो जागरूकता है किस ध्वनि से मिलकर क्या शब्द बनेगा इसको कोरिलेट करने में बच्चे को दिक्कत होती है इन शब्दों को ध्यान रखना है ऐसा नहीं मैं ऐसी कोई लोरी सुना रही हूं कि मेरा मन कर रहा है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस बोलूंगी आज है ना ये पूछ सकता है पेपर में टर्म है एक प्रॉपर टेक्निकल टर्म है साउंड रिलेटेड रिलेट, रिलेट। मतलब साउंड को लेटर के साथ एसोसिएट करने में दिक्कत है बच्चे को आप बी बोलेंगे उसको डी समझ में आ सकता है यानी मिलती जुलती जो लेटर्स होते हैं उसमें वो गड़बड़ कर जाएगा वो ए को हो सकता है उसके ब्रेन में एक ही जो न्यूरोलॉजिकल वायरिंग है वो ऐसी हो और आपके लिए ऐसी है तो उसके ब्रेन की प्रोसेसिंग उस तरह की है ऐसा नहीं है कि बच्चे की बुद्धि में कोई कमी है आईक्यू में कोई दिक्कत है नहीं एवरेज इंटेलिजेंस वाले बच्चे को भी डिस्लेक्सिया हो सकता है तो एक तो ये न्यूरोलॉजिकल सिचुएशन है दूसरा इसमें प्रॉब्लम होती है टू लिंक साउंड विद सिंबल्स साउंड को सिंबल्स के साथ लिंक करने में इसी को फोनोलॉजिकल अवेयरनेस भी कहते हैं कि जब आप साउंड को सिंबल के साथ क्या करते हैं लिंक करते हैं कि आपको बोला कैट तो आपके दिमाग में साउंड लिंक हुई कैट सी ए टी कैट तो ये फोनोलॉजिकल अवेयरनेस के कारण आपको आसानी हुई इसको लिखने में है ना आपको कहे कि चौक लिखिए जबकि चौक एक हिंदी वर्ड है है ना चौक वो चौराहे वाला चौक ये बैच में टीचर्स हैं सारे और आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं ये आप देख लीजिएगा अगर हम बात करें यहां पे मान लीजिए चौक एक हिंदी वर्ड है तो आप एक फोनोलॉजिकल अवेयरनेस ही तो है आपकी जो साउंड को सिंबल के साथ रिलेट करती है दिमाग में चौक तो आप सोचते हैं ओ औ की मात्रा आएगी शायद है ना तो ये क्या हुआ आप साउंड को सिंबल के साथ च वर्ड आपके दिमाग में फीडेड है 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 ना जब आपको काओ बोला जा रहा है, तो आप ये सिंबल्स को साउंड के साथ कोरिलेट कर रहे हैं लेकिन डिस्लेक्सिया वाले बच्चे को इस चीज में दिक्कत होती है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने बी बोला तो बी की जगह कई बार वो डी लिख सकता है छे की जगह नौ लिख सकता है रिवर्स में पढ़ लेता है कई बार रिवर्स में लेटर्स तो पढ़ने में अक्षमता है दिक्कत है तो एक तो ये न्यूरोलॉजिकल स्थिति है ना कि कोई शारीरिक समस्या और दूसरा इसमें दिक्कत होगी लिंक साउंड्स विद सिंबल्स अच्छा इसमें और क्या दिक्कतें होंगी उस पर भी अभी आएंगे ये एग्जाम्पल था जिसमें आमिर खान थे तारे जमीन पर एक अच्छी सी मूवी है टीचर्स को देख लेनी चाहिए है ना तो ये बच्चे को समस्या थी अगर इनको क्लासरूम में खड़े होकर पढ़ने को कह दिया जाए पढ़ने के अराउंड एग्जाइटी फील करते हैं डिस्लेक्सिक बच्चे जिनको भी डिस्लेक्सिया है ठीक तो इसीलिए इसको पठन संबंधी विकार भी कह रहे हैं हम रीडिंग डिसऑर्डर भी इसीलिए कह रहे हैं ठीक तो अगर हम देखें इतनी क्या जल्दी पोल हटाने की अगर हम देखें यहां पे तो डिफिकल्टी स्पेलिंग सिंपल वर्ड्स सिंपल वर्ड्स को स्पेल करने में समस्या होती है बच्चे को कॉट बोलने में मतलब स्पेलिंग और लिखने में तो मतलब बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी जब पढ़ने में दिक्कत है तो लिखने में तो स्वाभाविक है कि दिक्कत आ जाएगी ये अपने आप में पठन विकार है रीडिंग डिसऑर्डर है बट यहां पे पढ़ने में भी समस्या सॉरी आ, लिखने में भी समस्या आएगी क्योंकि अगर बच्चे ने बी को डी पढ़ाया तो वो डी ही लिखेगा बी थोड़ी लिख देगा ठीक तो एक तो स्पेलिंग सिंपल वर्ड्स में भी दिक्कत उसको होती है दूसरा अगर आप स्पेलिंग पूछ लें तब भी दिक्कत होगी पढ़ने में भी दिक्कत होगी रिलकटेंस टू रीड अलाउड इन क्लास यानी क्लास में अगर खड़े होकर पढ़ने को कह दिया जाए बहुत ही ज्यादा वो अलग अलग तरह के दिमाग में सिंबल्स चलने लगते थे आपको याद होगी वो मूवी अगर ईशान अवस्थी को खड़ा कर दिया जाए पढ़ने के लिए तो इनको बहुत एग्जाइटी होती है पढ़ने के अराउंड

कि जो साउंड है पोजीशन किसी वर्ड की एन है किसी जगह पे प्रोनाउंस किसी और जगह पे कर देंगे क्योंकि वो साउंड और वर्ड uh, के जो कोऑर्डिनेशन uh, है या फिर मैं कहूं देखना यार चल गया वो तो पता नहीं ये सारी दिक्कतें यूट्यूब की क्लास में आती हैं शाम से क्लासेज चल रही हैं बैच में तब तो कोई दिक्कत आई नहीं और अभी अटक गया खैर कोई नहीं हाँ बफरिंग आई नू तो यहां पे रिवर्सल हो जाता है कई बार साउंड और सिंबल्स एक साथ में मिक्सअप हो जाते हैं कई बार तो ऐसा हो सकता है कि बच्चा जो पोजिशन है मान लीजिए इस एम की पोजिशन आगे थी लेकिन पीछे ले आया बच्चा एनिमल बोलना था या एनिमल पढ़ना था वो एमिनल पढ़ रहा है तो वो रिवर्स कर देता है कई बार पोजीशन को तो इसीलिए लिंक करना साउंड को सिंबल के साथ इसमें दिक्कत यहां पर होती है डिस्लेक्सिया में चलिए खैर क्वेश्चन नंबर टू देखिए तो इस केस में जरूरी नहीं आप बच्चों को बहुत ज्यादा मतलब एंशियस नहीं फील कराना है क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा और जवाब दीजिएगा किसमें कमेंट्स कॉमेंट्स में बहुत बढ़िया देखो बैच में अगर आप ले रहे हो तो सीरियसनेस ज्यादा रहेगी आपका रूटीन बेहतर बन पाएगा डिस्ट्रैक्शन कम रहेगी क्योंकि वहां आप फिर शांति से एड फ्री होकर सिर्फ पढ़ाई का ही माहौल होगा पूरी बैच पे ऐसा तो है नहीं कि गाने भी आ रहे होंगे साथ में सजेशन में चलिए आ जाइए फटाफट से वापस से और पोल में जवाब आप थर्टी फोर परसेंट लोग कह रहे हैं कि डी ऑप्शन है देख लेते हैं डोंट वरी थर्टी सेवन परसेंट लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन चलिए देखते हैं फटाफट से अजर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन पेपर टू में छह है और पेपर वन में चार क्वेश्चन है अब अभिकथन की अगर मैं बात करूं तो एक कथन है और एक उसका कारण है आपको चेक करना है क्या यह कथन अपने आप में सही है क्या यह इसका कारण सही है क्या दोनों एक दूसरे के लिए सही है ना नहीं तो क्या होगा ब्रेकअप की अगर हम बात करें अभी कथन तो लर्निंग एक स्टेटमेंट ए दिया हुआ है क्या कहता है ये लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ एंड कॉन्क्रीट द चिल्ड्रन मल्टीपल पाथवेज फॉर लर्निंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन मतलब क्या हुआ वास्तविक जीवन की समस्याओं से रियल लाइफ एग्जाम्पल से और मूर्त अनुभव अनुभवों से यानी जब आप बॉटल की बात कर रहे हैं तो आप बॉटल दिखा दें बच्चे को या उसकी पिक्चर दिखा दें तो ये मूर्त हो जाएगा जिसको वो टच और फील कर सकता है तो, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और ऊपर से चीजें मूर्त अगर आप मान लीजिए नहीं दिखा पा रहे हैं डायरेक्ट बॉटल बॉटल की पिक्चर दिखा दी तो काफी हद तक मूर्त हो गया दिमाग में अमूर्तता नहीं है एबस्ट्रेक्टनेस नहीं है कि उसको पता ही नहीं है किस चीज के बारे में बात हो रही है तो ऐसे अनुभव देने से सीखने में बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिल जाते हैं मल्टीपल वेज में वो सीख पाएंगे ये तो ट्रू बात है सही है ये तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया राइट है तो ए इज ट्रू चलो मान लिया अब आर भी तो पढ़ेंगे इसका रीजन क्या है डेवलपमेंट इज रेलेटिवली ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल मतलब क्या है कि जो विकास है वो ऑर्डर में होता है क्रम में होता है बच्चा पहले बैठना सीखेगा फिर खड़े होना सीखेगा फिर चलना सीखेगा फिर दौड़ना सीखेगा ये क्या एक सीक्वेंस है एक ऑर्डर है पहले आप बच्चे होते हैं फिर आप जवान होते हैं फिर आप बूढ़े होंगे ये क्या है एक ऑर्डर है उल्टा नहीं होता तो ये ऑर्डर नहीं है और सीक्वेंस में है एक ऐसा नहीं है इसका उल्टा सही हो जाएगा ये बात तो सही है सबको बताए हमें ये बात कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है इस बात में अपने आप में कोई दिक्कत है इंडिविजुअली नहीं ये बात भी सही है ये बात भी सही है क्या ये रीजन इस अजर्शन के लिए सही है है ना क्या ये पर्सन आर ए के लिए सही है अब ये चेक करना है ये अपने आप में बढ़िया है ये अपने आप में बढ़िया है लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम एंड कॉन्क्रीट द चिल्ड्रन मल्टीपल वेज फॉर लर्निंग यानी अलग अलग तरीके से सिखाओ जीवन से जोड़ के सिखाओ मल्टीपल कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस दो बच्चे को तो अच्छा सीखेगा मल्टीपल वेज में सीखेगा इस ये बात सही है यह कहना है डेवलपमेंट इसका रीजन क्या दिया डेवलपमेंट तो ऑर्डर में होता है और सीक्वेंस में होता है यहां कोई ऑर्डर और सीक्वेंस की बात हुई है ऐसी तो कोई बात नहीं हुई तो ये कुछ और ही गा रहे हैं ये अपना कुछ और ही चल रहा है दोनों अपनी अपनी जगह सही है लेकिन एक दूसरे के लिए सही नहीं है क्या हो जाएगा ब्रेकअप ए एन आर आर ट्रू बट आर इज नॉट दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए जो कि थर्टी एट परसेंट दे भी रहे हैं आंसर बोथ ए ए भी सही है भाई सही है वास्तविक अनुभव से सिखाओ और आर भी सही है कि डेवलपमेंट ऑर्डर में होता है सीक्वेंस में होता है स्टेजेस में होता है सही है बात लेकिन ये इसका रीजन नहीं है जो सवाल यहां पे किया गया था जो कथन में जो बात कही गई थी उसका कारण सही नहीं है ये अपने आप में इंडिविजुअल स्टेटमेंट सही है जो कारण है अपने आप में एक सेंटेंस सही है कॉन्सेप्ट सही है तो ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है नहीं भाई नहीं करता है इसको ठीक कीजिएगा यहां पर सही व्याख्या नहीं करता है ये कुछ तो गड़बड़ किया हमारे टाइपिस्ट जी ने है ना बोथ ए एन आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए कुछ तो इसमें आ, हिंदी इंग्लिश में कुछ गड़बड़ हुई है तो आंसर जो है इसका हम डी लेकर के चलेंगे अभी के लिए एक बार मैं इसको चेक भी कर लूंगी कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हुई है या कुछ जो भी गलती है एक बार दिखाना यार ये जो ऑफिशियल पेपर में क्या दिया हुआ एक मिनट रुकना एक मिनट रुकना एक मिनट रुकना मैं चेक कर लेती हूँ इतने आप पोल में जवाब दे दू क्वेश्चन नंबर थ्री का पोल मैं आपको दे देती हूँ वन टू थ्री आप इतने जवाब दो इतने मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि वो ऑफिशियल क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर कितना था वो टू <coughs> क्योंकि वो हिंदी में कुछ लिख दिया इन्होंने इंग्लिश में कुछ लिख दिया लापरवाही का नतीजा सही जवाब है वो हिंदी में गलत लिखा हुआ है इस पर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ठीक है देखो इसमें ना हिंदी में ठीक कर लेना इसको ये दोनों सही नहीं है क्योंकि ये व्याख्या कुछ और कह रही है और स्टेटमेंट कुछ और कह रहा था तो ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है लिख लेना यहां पे नहीं करता है मुझे पेपर में बस ये देखना है कि नहीं यहां पे भी लिखा हुआ या नहीं है ना ऐसे तो फिर ये सही हो जाएगा लेकिन यहां से नहीं हट जाना चाहिए मेरे ख्याल में तो इसमें थोड़ा सा ये मिस्टेक है डी सही था इसका इंग्लिश वाले कोई फाइनल मानेंगे क्वेश्चन नंबर फोर फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं समझते हैं कहानी है क्या क्वेश्चन नंबर फोर कहता है आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चन सच एज हाउ मेनी एंड इन वॉट वेज आर वेरियस जेंडर रिप्रेजेंटेड इन टेक्सट बुक्स एंड मीडिया ज डैश पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में यानी पुस्तकों में जब हम दिखा रहे हैं कि दो महिलाएं मिलकर के दो पुरुष जिस काम को एक दिन में करते हैं चार महिलाएं मिलकर के उसी काम को दो दिन में करती हैं पता क्या लग रहा है कि महिलाएं कम काम करती हैं या फिर हम टेक्स्ट बुक में दिखा रहे हैं कि पापा बैठे हुए हैं रिमोट लेकर के सोफे पे और मम्मी किचन में काम कर रही हैं तो इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन है हालांकि आजकल चेंज हो रहा है तो पाठ्य पुस्तक और मीडिया में भी हम ये दिखा रहे हैं सारे जो घरेलू काम के एड हैं चाहे वो डिश वॉशर का हो चाहे वो कपड़े धोने का आपका जो वॉशिंग पाउडर है उसका हो सबको सबको सब, सब, फी, सब फीमेल्स ही उसमें दिखाई जा रही है ज्यादातर वो सलमान खान को बीच में ले आते हैं वो बात अलग है लेकिन मेजरली काम करते हुए वही दिखाया जा रहा है तो पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में या किसी और एक्टर को अब और ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि चेंज हो रही है चीजें इसलिए ऐसा कर रहे हैं पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न किसको प्रोत्साहन मिलेगा ऐसे प्रश्न से किसको प्रोत्साहन मिलेगा बताइए पहला ऑप्शन है रीनफोर्सिंग जेंडर आइडेंटिटी जेंडर आइडेंटिटी बेटर होगी किसी की कि वो मेल है या फीमेल इससे उसको पता लगेगा नहीं डिस्करेजिंग जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी के यानी जेंडर रोल फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि झाड़ू घर में आ, पापा भी लगा सकते हैं और मम्मी भी लगा सकते हैं खाना घर में पापा मम्मी दोनों बना सकते हैं तो ये फ्लेक्सिबिलिटी को हतोत्साहित कर रहे हैं नहीं है तो प्रोत्साहित कर रहे हैं अगर हम चर्चा कर रहे हैं इस बारे में कि कोई एड है जो सिर्फ महिलाओं पर किसी चीज़ की टिप्पणी करता है है ना जैसे अभी एनिमल मूवी आई थी तो उस पर बहुत चर्चा हुई तो वो क्या है एक तरह से डिस्कशन है जरूरी है कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं जेंडर स्टीरियोटाइप को ठीक तो क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स यानी जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना अगर हम मीडिया में और पाठ्यपुस्तक में जो विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है चाहे वो महिला हो या पुरुष हो अगर हम उस पर चर्चा कर रहे हैं दैट मीन्स हम स्टीरियोटाइप जो चले आ रहे हैं स्टीरियोटाइप किसको कहते हैं हम रूढ़िवदताएं है या रूढ़ियां जो चली आ रही हैं पहले से और रूढ़िवद्धता में ज्यादातर संभावना होती है कि कोई एक को फायदा मिल रहा होता है दूसरे को नहीं मिल रहा होता उतना यानी इसमें बराबरी या इक्विटी की बहुत ज्यादा संभावना नहीं होती बहुत ज्यादा इक्वालिटी और इक्विटी के कॉन्सेप्ट में ध्यान नहीं होता ठीक जैसे लड़कियां लड़कों से कमजोर होती हैं ये एक स्टीडियो है या लड़कों को कह दिया जाता है रोने पे जब वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि लड़की हो क्या है ना क्यों लड़कियों की तरह रोते हो तो ये भी स्टीडियो है क्यों क्योंकि चला आ रहा है हमने लड़कों के रोने को नॉर्मल नहीं रखा ठीक तो जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठा रहे हैं जब आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो क्या हो गया किसी मूवी में आपने लड़की को रोते हुए देखा आप इस बात पर चर्चा कर रहे हैं तो ये क्या हुआ क्वेश्चन कर रहे हैं आप जेंडर स्टीडियो को स्ट्रेंदन नहीं कर रहे हैं कॉन्स्टेंसी को कि भाई कॉन्स्टेंसी होता है बेसिकली ये कॉन्सेप्ट अभी आगे और आएगा कि जब बच्चा ये समझने लगे तीन से चार वर्ष में कि जो मेरा जेंडर है जैसे मैं अपने कपड़े बदल सकता हूं वैसे मैं अपना जेंडर नहीं बदल सकता कि मैं मेल हूं तो फीमेल हो जाऊं बॉय हूं तो गर्ल हो जाऊं गर्ल हूं तो बॉय हो जाऊं है ना वो जेंडर कॉन्स्टेंसी है तो क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप जब आप चर्चा करने लगे जो भी मीडिया में या न्यूज में आप देख रहे हैं उस पर क्वेश्चन नंबर फोर क्या है क्वेश्चन नंबर फोर अजरशन है एक कथन है इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अडेप्टेशन शुड बी मेड इन लर्निंग गोल्स पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज एज वेल एज असमेंट एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए यानी समावेशी शिक्षा कैसी है एजुकेशन फॉर ऑल हर बच्चे के लिए एजुकेशन चाहे किसी को देखने में समस्या है चाहे कोई गिफ्टेड है चाहे कोई स्लो सीखता है हर बच्चा एक क्लास की एक छत के नीचे अच्छे से सीख पाए इंडिविजुअल डिफ्रेंसेस के बावजूद या डिसेबिलिटीज के भी बावजूद या गिफ्टेड होने के भी बावजूद तो समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों और शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए यानी स्ट्रेटेजी जो है और असेसमेंट के तरीके उन सब में चेंजेस आने चाहिए क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बच्चे हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट नीड होगी बात तो सही है भाई आप डिफरेंट तरीके से असेस करो वो बच्चा जिसको दिखाई नहीं देता उसको थोड़ी कहोगे कि तुम एक काम करो कि बोर्ड पे देख के जवाब दो आप उसको डिफरेंट तरीके से असेस करोगे तो मल्टीपल वेज में आप यहां पे सिखाते भी हो और आकलन भी करते हो टेस्ट भी लेते तो हो या जांचते बात रीजन क्या असेसमेंट ये समावेशन का जो दर्शन है यानी इंक्लूसिव एजुकेशन जो पूरा एक यूनिट टू है आपकी पांच नंबर की वो जो उसके पीछे जो फिलोसफी है दर्शन क्या है कि शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से यानी आप बच्चे का टेस्ट लो और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे के अंदर से इंडिविजुअल डिफरेंसेस को खत्म कर दो और सबको बना दो रोबोट्स क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है बच्चे अपनी भाषा में अपने जेंडर में अपने कल्चर में अपने कास्ट में और अपनी क्षमताओं में एप्टीट्यूड में एटीट्यूड में अपने इंटरेस्ट में डिफरेंट हो सकते हैं ये इंडिविजुअल डिफरेंस है तो ये कह रहे हैं ये टेस्ट वगैरह करके सबका इंडिविजुअल डिफरेंस खत्म कर दो सबको रोबोट बना दो जो कि गलत बात हो गई तो ये तो अपने आप में रॉन्ग है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स तो ए इज द राइट आंसर सी क्यों कह रहे हो यार आप लोग ये आप क्या याद कर लेते हो क्या हो गया क्या पढ़ लिया ऐसा कोई बात नहीं अभी धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ोगे बैच वगैरह में भी अभी चलेंगे चलेगा सिलेबस होगा आगे तो चीजें ठीक होती जाएंगी ये एकदम खराब तरीका है कि आप 64 परसेंट लोग सी जवाब दे रहे हैं मैं फिर से पढ़ लेती हूँ मुझे डाउट हो जाता है आपकी ऐसी हरकतों पर ठीक है ना अभी कोई बात नहीं आप ये मत मानो कि आप सारे सवाल सही कर पाओगे अभी पहला ही दिन है ये तो हमारा एनालिसिस करना जरूरी है इसलिए ये मैंने बैच में नहीं लगाई है क्लास क्योंकि अभी पहले पढ़ तो हम कॉन्सेप्ट लेकिन जो लोग यूट्यूब पे हैं उनको ऐसा लगता है कई लोग होते हैं भाई उन्होंने पहले पढ़ चुके हैं तो उनको सिर्फ की ही प्रैक्टिस करनी है या पुराने वीडियो देख लिए हैं या कई लोगों को लगता है कि हम तो सीधा क्वेश्चन ही शुरू करेंगे तो वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब आप कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे इवन समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने के लिए देखो मतभेदों को आप नेगेटिव मत लो इंग्लिश में पढ़ो व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहेंगे इनको इसलिए हिंदी फंसा देती है इस सब्जेक्ट में क्योंकि व्यक्तिगत मतभेद के ऐसा लगता है यार कि डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन की बात हो रही है जबकि यहाँ व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात हो रही है कि अलग अलग एक क्लास में तीस बच्चे हैं तो तीस एक जैसे नहीं होंगे डिफरेंट होंगे विभिन्नताएं होंगी सब अपने रंग में रुचि में अपनी क्षमताओं में अपने कल्चर में यानी संस्कृति में डिफरेंट होंगे ये कह रहे हैं उसको खत्म कर दो तो बच्चे तो रोबोट बन जाएंगे तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है बिल्कुल साफ साफ गलत है तो ए तो सही है बट आर सही नहीं है तो ये ए एन आर आर ट्रू तो हो ही नहीं सकता ना क्योंकि आर तो पहले ही गलत है तो नीचे के दो ऑप्शन सी और डी तो पॉसिबल ही नहीं है क्वेश्चन नंबर फाइव देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर फाइव देखिएगा और जवाब दीजिएगा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फाइव की अ टीचर नोटिस दैट वन ऑफ हर स्टूडेंट्स इज हाईली डिस्ट्रैक्टेबल एंड हैज ट्रबल पेंग अटेंशन ड्यूरिंग क्लास यानी एक टीचर ने ये नोटिस किया कि उसकी एक छात्र है या उसका एक छात्र है जो अत्यधिक विचलित है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जल्दी से कहीं से आवाज आ जाए या वो थोड़ी देर भी टिक के कोई काम कर नहीं पाता कोई होमवर्क मिले या कोई भी अगर बोर्ड से भी उसको कुछ आ, नोट डाउन करना हो तो वो नहीं कर पाता यह नोटिस किया उसको अटेंशन पे करने में क्लास के दौरान ध्यान लगाने में बड़ी दिक्कत होती है वो उछलता कूदता रहता है या कुछ ना कुछ करता रहता है उसका ध्यान टिक नहीं पाता एक जगह पर टिक के नहीं बैठ पाता च ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी वुड बी एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी इन हेल्पिंग द स्टूडेंट स्टे फोकस्ड ऐसे बच्चे के फोकस को बनाने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया जाए किस रणनीति को ध्यान में रखें कि वो बच्चा जो टिक के नहीं बैठ पा रहा जिसका ध्यान भार बार बार भटकता है उसके ध्यान को ठीक किया जा सके या उसके साथ कैसे डील करें पहला ऑप्शन है पेडोलॉजिकल क्वेश्चन है पहला ऑप्शन है गिविंग अ टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेग्युलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना यानी आप एक उसको टाइमर दीजिए कि बेटा ये, ये एक पेज है तुमको इतनी मिनट में ही लिखना है और ये घंटी बजेगी तो उसका ध्यान थोड़ा सा जब आप टाइमर लगा के बैठते हैं आप अगर पढ़ने नहीं बैठ पा रहे हैं आप सोचते हैं चलो बैठ जाता हूं और एक बीस मिनट का टाइमर लगाता हूं या लगाती हूं थोड़ा सा फोकस बेटर होता है एक अलर्टनेस आती है और ऐसे बच्चों के लिए क्या होता है इनको एडीएचडी वाले बच्चे कह सकते हैं हम यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ये क्वेश्चन एडीएचडी का एक क्वेश्चन जरूर आता ही है डिस्लेक्सिया का क्वेश्चन आता ही है पेपर में है ये एक, एक तरह से बस हल्का सा तरीका चेंज होगा ये ये वाला बच्चा है जिसका ध्यान टिक करके, ये टिक करके करके मतलब ज्यादा देर नहीं बैठ पाता तो इनके लिए हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं किसी एक टास्क को यानी तीस मिनट का काम है तो उसको पांच पांच मिनट के छह स्लॉट में डिवाइड कर दिया टाइमर लगा दिया ताकि वो रेगुलेट कर पाए सेल्फ रेगुलेशन हो पाए उसके लिए बात तो सही है फिर भी सेकेंड ऑप्शन देखेंगे कॉलिंग द पेरेंट्स एंड टेकिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द स्टूडेंट माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासन अनुशासनात्मक कार्यवाही करना यानी उसको दंड दिलवाओ कि आपका बच्चा टिक के नहीं बैठ पाता देखो आपको ना बाहरी साधन तब यूज करने हैं जब आप पहले खुद से सारा कुछ कर चुके हो और क्लासरूम में ज्यादातर पेडोलॉजिकल क्वेश्चंस में आपको ध्यान इस बात पर रखना है कि आप क्या कर सकते हैं एज अ टीचर ना कि पेरेंट्स से शिकायत कर देंगे प्रिंसिपल से शिकायत कर देंगे ये रेयर कभी काम में आएंगे आपके पुराने टाइम में जो पैडोलॉजिकल क्वेश्चंस होते थे उसमें इस तरह की चीजें होती थी अभी बहुत रेयर है कि सी में आपसे कोई क्वेश्चन हो ऐसा जिसमें पेरेंट्स को बुला करके डांट लगाने की बात हो प्रिंसिपल से शिकायत कर देंगे ये सब नहीं आप क्या कर सकते हैं वो देखना है आपको तो गिविंग अ टाइमर टू स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट ये सही है लेकिन फिर भी हम बाकी ऑप्शन चेक करेंगे कि पेरेंट्स को बुला करके डांट लगाएंगे है ना सख्त कार्रवाई करेंगे भाई बच्चे को दिक्कत है नेचुरली तो ये तो गलत है गिविंग द स्टूडेंट रिपीटेड टास्क टू डू ड्यूरिंग क्लास देखो एकदम खराब तरीका पहले ऐसा होता था स्कूल्स में आज भी होता हुआ कहीं ना कहीं कि एक चीज को दस बार लिखो पंद्रह बार लिखो इसको रट्टाफिकेशन कहते हैं रोट मेमोराइजेशन है ना कि रिपीटेड टास्क उसको करने के लिए बार 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 एक तो वो पहले ही ध्यान नहीं लगा पा रहा जब आप सेम चीज करने को देंगे और ज्यादा बोरियत होगी डी ऑप्शन है स्ट्रिक्टली टेलिंग द स्टूडेंट टू इनक्रीज देयर अटेंशन स्पेंड यानी छात्रों को सख्ती से कहेंगे भैया अपना ध्यान अपने अवधान की अवधि बढ़ा लो अगर वो अवधान की अवधि बढ़ा पाता तो खुद नहीं बढ़ा लेता वो उसकी नेचुरल दिक्कत है आपको ये नहीं करना कि बच्चे में कमी नहीं ढूंढनी है आपको ये देखना है कि आप एज अ टीचर क्या कर सकते हैं बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चा भगवान का बिल्कुल डायरेक्ट रूप है और आप एक सुपरमैन मैन सुपर वुमेन है जिसको सारी समस्याएं सॉल्व करनी है सारे पेडोलॉजिकल क्वेश्चंस में यही चीज लागू होती है तो बच्चे को आप एक टाइमर देंगे जिससे उसको टाइम डिवाइड करके सीखने में आ, मदद मिलेगी और वो थोड़ा ध्यान टिका करके बैठ पाएगा आते हैं पहले बाद में समझेंगे इसमें एडीएचडी की जो समस्या थी बच्चे को एडीएचडी बोले तो अटेंशन डेफिसिट यानी अवधान में कमी ध्यान लगाने में कमी अटेंशन में क्या हो जाता है डेफिसिट तो ध्यान लगाने में हो जाती है कमी यह भी एक तरह का डिसऑर्डर है हाइपर एक्टिविटी एक तो बच्चे का ध्यान नहीं लग पाता ऊपर से वो हाइपर एक्टिव रहता है टिकके नहीं बैठ पाता कभी उछलता कूदता रहेगा इधर से उधर जाता रहेगा है ना डिस्टर्ब करता रहेगा क्लास को कई बार तो वो जान के नहीं कर रहा वो उसका नेचर ही है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ये सोशल मीडिया की वजह से बाकी लोगों में भी बहुत देखने को मिला है कि आपका ध्यान एक जगह ज्यादा देर टिक ही नहीं पाता सबको अब तीस सेकंड की रील चाहिए जब वो पढ़ने की क्लास देखते हैं तो उनको लगता है इतना स्लो क्यों चल रहे हो दौड़ लगाओ तीस सेकंड में पढ़ा दो एक मिनट में पढ़ा दो हद से अध है ना ज्यादा से भी ज्यादा मुश्किल से मुश्किल भी एक मिनट ले लो पढ़ाने में ऐसे थोड़ी आप एक घंटा पढ़ाओगे डेढ़ घंटा पढ़ाओगे तो ध्यान नहीं टिकाता हमारा तो अटेंशन में डेफिसिट हो गया है बहुत बड़े नंबर पे मतलब बड़े नंबर ऑफ पॉपुलेशन में हमारी सबके अटेंशन में कमी आई है पहले से एक वो भी जमाना था ना जब इंटरनेट ऐसे वो बफर होता ही रहता था तब जाके एक साइट खुलने में कोई भी एक वेबसाइट खोलो पता नहीं कितनी देर लेती थी अब हम वो वेबसाइट बंद कर देते हैं अगर विद इन सेकेंड्स ना खोले तो तो ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है ठीक <coughs> तो ऐसे बच्चों को डील करने के लिए आपको टाइम डिवाइड करना पड़ेगा उनके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनानी पड़ेगी चीजें पोल दे दो भाई क्वेश्चन नंबर सिक्स का पोल आपके सामने जवाब दीजिए अजर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क या कारण देखना है टाइम क्लास का आपका अभी तो डबल क्लास लगाई हुई है सीटेड वाले बैच में तो एक छह बजे साढ़े सात बजे है और YouTube पर नौ बजे आपकी क्लास कल से थोड़ा जल्दी शुरू करने की कोशिश करेंगे बहुत बढ़िया धन्यवाद लाइक शेयर भी करते रहना साथ साथ कथन पढ़िए क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग 51 लोग सी ऑप्शन कह रहे हैं टीचर्स शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन स्टीरियोटाइप एंड बायस शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करते रहना चाहिए पूर्वाग्रह क्या है स्टीरियोटाइप या बायसेस कि आप क्योंकि किसी एक जाति समूह से आते हैं किसी एक स्टेट से आते हैं तो ऐसा तो नहीं है जो आपकी जाति के बच्चे हैं आप उनको फेवर करते हैं या आपका कोई एक फेवरेट स्टूडेंट है बाकी को आप पसंद ही नहीं करते क्लास में है ना तो आपके जो पूर्वाग्रह हैं जो आपके स्टूडियो टाइप है क्योंकि आप भी एक इंसान ही है आप भी समाज से ही निकले हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपके अपने स्टूडियो टाइपों हो, हो सकता है आप लड़कियों को कमजोर समझते हो लड़कों को बहुत बाहुबली समझते हो है ना या सोचते हो मैथ्स में तो लड़कियां कमजोर ही होंगी तो ये क्या एक तरह का स्टूडियो टाइप और बायस है अगर किसी ने ऐसा सोचा हुआ है तो तो टीचर्स को भी और या किसी जाति संप्रदाय समूह को आप सपोर्ट करते हो अगर आप हिंदू हैं तो आप सिर्फ हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे हैं बाकी सब पता नहीं कहां चले जाएं जबकि क्लासरूम में एज अ टीचर आप पॉलिटिशियन नहीं है आपको इस चीज से फायदा नहीं होगा आपको सबको साथ में लेकर के चलना है हो सकता है आपका पर्सनल बिलीफ सिस्टम कुछ और कहता हो आप किसी जाति समुदाय में विश्वास करते भी हो लेकिन क्लासरूम में बच्चों को आप बच्चों की तरह से देखते हैं है ना आप अपने पूर्वाग्रहों पे रिफ्लेक्ट करते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं मेरा कोई व्यवहार या मेरा कोई बिलीफ सिस्टम बच्चों के लिए घातक बन रहा हो ये जरूरी है ये चेक करते रहना चाहिए समय समय पे ये बात एकदम ट्रू है रीजन क्या है इसका कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग मीन्स दैट टीचर्स आर रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या है चिंतनशील होते हैं टीचर मतलब अगर आप सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण की बात करें क्योंकि आपकी क्लास में सिर्फ एक जाति एक संप्रदाय एक समूह एक संस्कृति का बच्चा तो नहीं होगा डिफरेंट डिफरेंट बच्चे होंगे अलग अलग त्यौहार मनाने वाले अलग अलग भाषाएं बोलने वाले अलग अलग कपड़े पहनने वाले अलग अलग तरीके से रहने वाले यूनिफॉर्म तो खैर स्कूल में सेम हो जाती है तो ऐसा हो सकता है जो कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग है क्योंकि आपको सबको साथ लेके चलना है इंक्लूसिव एजुकेशन है इंडिविजुअल डिफरेंसिस का ध्यान रखना है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का तो आपको सांस्कृतिक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण तभी कहा जाएगा जब शिक्षक अपने ही बायस और स्टीडियो के प्रति क्या हो चिंतनशील हो उन पर विचार करें कि वो कहीं गलत है तो उसको ठीक कर ले तो दोनों बातें सही है ये इसका सही रीजन है कि क्यों करना चाहिए ऐसा तो बोथ एन आर आर ट्रू एंड आर इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सी ऑप्शन इज राइट आंसर जो कि आप लोग दे भी रहे हैं देखिए एक क्लास में तो प्रॉपर समझना जरूरी है क्योंकि अगर हम जल्दी करेंगे तो फिर दिक्कत होगी स्पीड हम समय के साथ बढ़ाते चले जाएंगे डोंट वरी क्वेश्चन नंबर सेवन देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इसशियल इन मीनिंग मेकिंग ऑफ दी इस वर्ड को कहीं दिमाग में बिठा लीजिए इससे ज्यादा पॉजिटिव वर्ड आपके पूरे पेपर में है नहीं कहीं एक तो मीनिंग मेकिंग और दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग है ना बच्चे के पक्ष में है ये दोनों बातें निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है यानी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इसशियल इन मीनिंग मेकिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो भी इंफॉर्मेशन आई है उससे आप अर्थ निर्माण कर सकें उसे कुछ जीवन में आप जोड़ सकें रिसीव्ड फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट फर्दर इन मेमरी यानी एक तो आप मीनिंग मेकिंग कर पाए किसी इंफॉर्मेशन को देख के कुछ अर्थ समझ में आ पाए आप जीवन से जोड़ पाए दूसरा उसको स्टोर कर पाए अपनी मेमरी में अपनी स्मृति में कि आपके दिमाग में वो चीज आगे के लिए रहे इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है इसेंशियल क्या है ये पूछा है ठीक है तो सी ऑप्शन सिक्सटी फाइव परसेंट लोग जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही भी है यानी फॉरगेटिंग अगर भूल जाएंगे तो कहां से मेमोरी में ये चीज स्टोर हो पाएगी रिट्रीवल रिट्रीवल तो तभी हो पाएगा जब आपका ध्यान कहीं गया होगा अटेंशन गई होगी कहीं अगर आपने कोई चीज पढ़ी है और समझी है तो उससे पहले ध्यान तो दिया होगा तो अटेंशन अगर नहीं गई है अगर अटेंशन ही नहीं है किसी चीज पे तो याद कहां से होगी वो चीज तो ध्यान देना सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा यहां तभी आप पहले तो बिना ध्यान दिए आप मीनिंग मेकिंग नहीं कर पाएंगे अर्थ निर्माण नहीं कर पाएंगे कि कहना क्या चाहता है कवि कहना क्या चाहते हैं बिना कविता पढ़े कैसे काम चलेगा और कविता पढ़ेंगे कैसे अगर ध्यान से नहीं समझा तो तो ध्यान से क्या होगा एक तो आप अर्थ निर्माण कर पाएंगे मीनिंग मेकिंग कर पाएंगे दूसरा मेमोरी में वो स्टोर भी हो पाएगा रिट्रीवल तो बाद की प्रोसेस है थर्ड भाई आप पुनर्प्राप्ति तो तब करेंगे ना पहले अटेंशन देंगे इसको स्टोर करेंगे फिर रिट्रीवल करेंगे कि आपने एक नंबर मान लीजिए आपने एक नंबर देखा और आपने क्या किया इस पर अटेंशन दी अटेंशन देकर के आपने दिमाग में ही धारण किया आप इसको दोबारा से बता रहे हैं नंबर याद हो गया आपको नाइन फाइव नाइन नाइन वन सिक्स वन जीरो टू फाइव यह क्या है रिट्रीवल है रिट्रीवल होगा कब अगर मेरा ध्यान ही नहीं गया होता इस पर तो कहां से ये मेरी मेमोरी में स्टोर हो जाता और कैसे मैं इसको रिट्रीव कर पाती तो अटेंशन सबसे ज्यादा जरूरी है डिके तो होता है शयन यानी आपके दिमाग से निकल जाए वो चीज या उसकी फॉर्म चेंज हो जाए आधा अधूरा याद रह जाए और तो अपने आप में ही भूलना है देखिएगा, ज़्यादा चल रहे हैं हम। या बफरिंग की शिकायत बहुत है। एक बार कमेंट वो करना पोल, देना। अच्छा, पोल ही है चलो रहने दो। अभी थोड़ी देर बाद देंगे। पहले आप question eight कर लो। के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है यानी कोहलबग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है यानी सामाजिक विकास के अंदर ही तो नैतिक विकास आता है कि सही और गलत ये सब हम समाज में ही तो कहते हैं एनिमल्स में जंगल में जाकर के देखिए उनका तो कोई मॉरल मॉरलिटी एथिक्स इन सब की जरूरत नहीं पड़ती वो नेचुरली बाई डिफॉल्ट सेटिंग पे चलते हैं तो अगर हम बात करें कोहलबग के मॉरल डेवलपमेंट की नैतिक विकास की तो उन्होंने बच्चे के तर्क को <clears throat> बच्चे का तर्क किसके बारे में रिवॉल्व अराउंड एथिक्स ऑफ लॉ यानी कानून के अराउंड तर्क कानून की नैतिकता के कि इर्द गिर्द किस स्टेज में घूमेगा लॉ एंड ऑर्डर करके इन, इनकी एक स्टेज है जिसमें ये कहते हैं कि जो नियम है वो फाइनल है रूल इज रूल ये किस में आएगा सेकेंड लेवल पे कन्वेंशनल मॉरिटी में फोर्थ स्टेज है ये लॉ एंड ऑर्डर जिसमें रूल्स आर फिक्स्ड नियमों का नियमों में नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है अगर किसी ने गलती की है इंटेंशन कुछ भी हो सजा मिलेगी रेड लाइट तोड़ी है चलान होगा गलती से तोड़ी हो किसी की जान बचाने के लिए तोड़ी हो हॉस्पिटल भागने के लिए तोड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना तो ये क्या है ये है कन्वेंशनल मॉरलिटी फोर्थ लेवल और सेकेंड uh, लेवल और फोर्थ स्टेज पारंपरिक नैतिकता परंपराओं के अनुसार जो चीजें चल रही है ट्रे, ट्रेडिशन के अनुसार प्री कन्वेंशनल में उतना होश होता नहीं है और हिट्रोनॉमस और ऑटोनॉमस जो है प्याजे की मॉरलिटी की थियरी है ये आपके काम का ऐसा रहता नहीं है सीटेट में ऑनलाइन में फिर भी एक आध बार पूछ लिया था इन्होंने तो ये तो प्याजे के हिसाब से मैं फिर भी बता देती हूं देखो ऑटो हिट्रोनॉमस लिखा यानी एक्सटर्नल मॉरालिटी जो बाहर के नियम कायदे कानून है पेरेंट्स हो गए टीचर्स हो गए और ऑटोनॉमस का मतलब होता है स्वयं की आपके यानी बच्चे का सेल्फ के नियम तो बस ये मुख्य अंतर है ठीक प्री कन्वेंशनल तो इनकी ही थियोरी में है आगे चल के पढ़ेंगे कोलबाग ने तीन लेवल दिए हैं टोटल मॉरेलीटी के तीन लेवल दिए हैं स्टेज दिए है, हर एक लेवल पे दो स्टेज है ठीक इस पर चर्चा डिटेल में कभी और करेंगे चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन पे चलते हैं ओल और जवाब कीजिएगा देखिएगा एक बार विच ऑफ द कोर प्रिंसिपल मुख्य सिद्धांत पूछा है किसका कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थियरी का यानी संरचनावादी या रचनावादी सिद्धांत का मूल सिद्धांत क्या है मूल मुख्य रूप से मुद्दा है क्या अगर हम बात करें कोई कह रहा है लेवल थ्री स्टेज सिक्स हाँ बिल्कुल अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट देयर इसमें ये जो कंस्ट्रक्टिव है इसमें प्याजे वाइगॉस की ब्रूनर ये सारे लोग ये रचनावादी दर्शन कह लीजिए या एक स्कूल ऑफ थॉट है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है रचनावाद इस बात में विश्वास रखता है कि बच्चा एक्टिव रहे बच्चा ज्ञान की रचना करे कंस्ट्रक्ट करे नॉलेज को तो प्याजे वाइगॉस की ये बच्चे के बहुत ज्यादा पक्ष में आपके सारे एनसीएफ वगैरह इसी पे बेस्ड हैं आज की डेट में हम बहुत फॉलो करते हैं इस स्कूल को क्योंकि बच्चे के ज्ञान की रचना बच्चे को ज्ञान की रचना के लिए स्वतंत्र छोड़ता है कहीं ना कहीं अर्थ निर्माण की बात करता है मीनिंग मेकिंग की बच्चे को एक्टिव रखता है अगर मैं कहूं सक्रिय रखता है और वो ऑप्शन पूरी पैटेगोलॉजी में हर क्वेश्चन में काम आएगा जो बच्चे को एक्टिव रखे बच्चा जहां सबसे ज्यादा एक्टिव है वही ऑप्शन सबसे बेस्ट है बच्चे का हित स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट विद देयर एनवायरमेंट यानी छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं यानी वो अपने एनवायरमेंट में एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक्टिव एंगेजमेंट के थ्रू

टीचर्स शुड प्रोवाइड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लेसिड गाइडेंस टू स्टूडेंट एकदम खराब तरीका होता है कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन प्रत्यक्ष निर्देश नहीं आप बच्चे को एक्टिव रखिए निर्देश मत दीजिए अगर आप सिर्फ निर्देश देंगे तो बच्चा हो जाएगा पैसिव और बच्चे को आपको टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव चाहिए हमें लर्निंग अकर्स वेन स्टूडेंट्स रिसीव करेक्ट आंसर एंड फीडबैक फ्रॉम टीचर्स इसमें भी बच्चा पैसिव है इन दोनों ही ऑप्शन में बच्चा उतना एक्टिव नहीं है इसमें तो है ही नहीं इसमें तो साफ साफ निष्क्रिय कर दिया बच्चे को इन दोनों ऑप्शन में भी बच्चा उतना एक्टिव है नहीं जितना फर्स्ट ऑप्शन में है कि वो अपने पर्यावरण के साथ अन्योन क्रिया करके सक्रिय रूप से सीख रहा है एक्टिविटी करके वो सिर्फ ए ऑप्शन में है सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा और इसीलिए वही सही है क्वेश्चन नंबर टेन देखिएगा क्वेश्चन नंबर टेन देखिएगा अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की वॉट इज द रोल ऑफ द टीचर इन फैसिलिटेटिंग कॉग्नेटिव डेवलपमेंट वाइगॉस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है वाइगॉस्की के बारे में पूछ रहे हैं वाइगॉस्की भी क्या है एक रचनावादी है अगर संज्ञानात्मक विकास यानी आपकी थिंकिंग आपके दिमाग का विकास अगर मैं कहूं मेंटल डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी आपकी समझ का थिंकिंग रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अटेंशन मेमरी इमेजिनेशन जितने भी काम दिमाग से होते हैं वो सब संज्ञानात्मक विकास में आते हैं तो बच्चे की समझ जो विकसित हो रही है क्या हो गया तो जो बच्चे की समझ विकसित हो रही है वो आपकी एक्टिविटी करके ही होगी और समझ का विकसित होना संज्ञानात्मक विकास है आप ये मान लेना कि दिमाग का विकास ठीक है टू अलाउ दी स्टूडेंट टू लर्न कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली यानी छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति दे दें चलो देखते हैं बाकी ऑप्शंस टू गिव ओनली दो टास्क दैट द स्टूडेंट कैन करेंटली डू इंडिपेंडेंटली सिर्फ उन्हें वही काम जो, काम दो जो वो स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं आज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द स्टूडेंट देखो सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना तो बच्चा पैसे हो जाएगा यहाँ पे निष्क्रिय सपोर्ट through लर्निंग यानी छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति दे दें तो क्या टीचर्स की जरूरत नहीं है तो ये ऑप्शन देखने में लुभावना लगता है बट है नहीं है ना ऐसा लगता है कि टीचर की जरूरत ही नहीं जबकि हमें टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव चाहिए जहां जरूरत पड़े टीचर भी हो टू गिव ओनली दो स्टास्क दैट द स्टूडेंट कैन करेंटली डू इंडिपेंडेंटली वाइगॉस की क्या ऐसा ये कहते हैं वो क्या कहते हैं कि आ, सिर्फ वो काम कराओ जो बच्चा खुद से कर सके फिर तो आप वो कभी सीख नहीं पाएंगे जो आपको नहीं आता भाई मान लीजिए आज आपके सी डी पी में बीस नंबर आते हैं तीस में से तो आप सिर्फ उतना ही करें जितने टॉपिक आपको आते हैं नया सीखे ही नहीं तो क्या होगा कभी नहीं सीख पाएंगे तो ऐसा भी नहीं है जो आप खुद से कर सकते हैं बस उतना ही करें फिर आप हेल्प ही तो ले रहे हैं यूट्यूब पे आ रहे हैं या बच में ले रहे हैं एडमिशन किताब ले रहे हैं ये सब क्या स्केप फोल्डिंग है तो एक ही ऑप्शन सही है यहां टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैप फोल्डिंग यानी आलंबन कह लीजिए इसको पाड़ कह लीजिए ढांचा कह लीजिए स्कैप फोल्डिंग क्या है टेम्परे हेल्प की प्रोसेस है आप साइकिल सीख रहे हैं और कोई पीछे से वो साइकिल पकड़ ले तो वो हेल्प दे रहा है आपको आप सीढ़ी पे चढ़ के कोई सामान उठा आ, उतार रहे हैं कहीं से अलमीरा से या कहीं से भी और कोई पीछे से पकड़े हुए उस सीढ़ी को या वो सीढ़ी अपने आप में स्केप फोल्डिंग है आप खुद से बीस नंबर ला सकते थे लेट्स स्लैंड पर जुड़ के आप तीस में से तीस ला सकते हैं तो वो जो दस नंबर का गैप है वो आपको हेल्प आप में क्षमता थी कि आप उतना सीख जाए बस आपको मदद चाहिए थी टेम्प्रेरी हेल्प ऐसा थोड़ी मैं जाऊंगी आपके साथ पेपर में नहीं आप खुद जाएंगे खुद लेके आएंगे तीस में से तीस लेकिन उसके लिए स्कैप चाहिए टेम्प्रेरी हेल्प चाहिए वो टेम्प्रेरी हेल्प मैं आपको दे रही हूं पेपर तक ठीक है ना तो टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैप फोल्डिंग यही बात वाइगॉस की कह रहे हैं कि जरूरत जहां पड़े बच्चों को आप मदद दीजिए उससे उसका संज्ञान उसकी समझ बेहतर होगी मदद से जहां हमें दिक्कत होती है हम डाउट पूछ लेते हैं वो डाउट पूछना क्या है जिससे भी आप डाउट पूछ रहे हैं वो आपके लिए स्कैप फोल्डिंग का काम करेगा और उसको मोर नॉलेजेबल अदर कहेंगे ये थियरी जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर एवलेवन देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सैम्पलीफाई एन इंक्लूसिव क्लासरूम यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है आपको कोई क्वेश्चन अलग से नहीं करने की जरूरत कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाने की जरूरत अलग से अगर आप पेपर वन और पेपर टू मिलाकर के पिछले चार पांच साल के सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लेते हैं जो कॉमन सब्जेक्ट है जैसे सीडीपी है तो ये तो पेपर वन में भी आता है पेपर में भी आता है है सिलेबस सेम लेवल सेम है सब सेम है तो आप पेपर वन पेपर टू के सेट लगाते जाइए सिर्फ प्रीवियस ईयर के आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट करना है है ना और यही हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी या जो भी सब्जेक्ट कॉमन है उनमें यही काम कीजिए आप क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कोई कितना भी मॉक टेस्ट करा ले इस लेवल के क्वेश्चंस खुद से नहीं बनाएगा चाहे टीचर ही क्यों ना हो क्योंकि वो टीचर मेड टेस्ट है ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है जिसमें पता नहीं कितने एक्सपर्ट लोगों की टीम लगती है बी ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं देखते हैं डज नॉट एग्ज़ेम्पलीफाई इंक्लूसिव क्लासरूम इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब क्या है सभी के लिए शिक्षा हर तरह का बच्चा पढ़ पाए एजुकेशन फॉर ऑल चाहे बच्चा Wow, उसको विजुअल इंपेयरमेंट हो दिखने में समस्या हो सुनने में समस्या हो चलने में समस्या हो गिफ्टेड हो यानी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है कम इंटेलिजेंट है हर तरह का बच्चा एक क्लासरूम में पढ़ पाए ऐसा नहीं है कि जो जो बोल नहीं सकते उनके लिए अलग स्कूल जो देख नहीं सकते उनके लिए अलग स्कूल एक ही स्कूल में एक छत के नीचे एजुकेशन फॉर ऑल तो कौन सी एक चीज एजुकेशन फॉर ऑल को या समावेशी शिक्षा को समावेशन को सपोर्ट नहीं करती ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन अब जब हम डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल डिफ्रेंसिस या इंक्लूसिव एजुकेशन तो एक चीज बहुत ही पॉजिटिव रहती है वो है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी विभेदी निर्देशन यानी बच्चे की नीड उसके लेवल उसके इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग बच्चे पे ध्यान दिया जाए और समझा जाए तो ये तो अच्छी बात है ये सपोर्ट क्यों नहीं करेगा तो पॉजिटिव बात है हमें नेगेटिव चाहिए डज नॉट लिखा हुआ है ना जिस क्वेश्चन में नॉट लिखा हुआ है लीस्ट लिखा हुआ है एक्सेप्ट लिखा हुआ यानी सिवाय या सबसे कम महत्वपूर्ण या सही नहीं है इन तीनों पर ध्यान स्पेशली देना है वो थ्री इडियट वाले कान ऐसे खड़े कर लेना है और ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को ठीक है ना तो डज नॉट सपोर्ट तो ये तो सपोर्ट करता है इंक्लूसिव एजुकेशन को हमें चाहिए नेगेटिव एनकरेजिंग ये बात सही है प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन कहते हैं उसको एकदम गला काट प्रतिस्पर्धा यानी इतना कॉम्पिटिशन को बढ़ावा दे दो कि एक बच्चा जो देख नहीं सकता वो कॉम्पीट रहा है देखने के लिए है ना मतलब बच्चा खुद की स्ट्रेंथ को छोड़ के बाकियों से कॉम्पिटिशन में लग जाए तो एनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव इथॉस जो है ये एकदम खराब तरीका है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए भी और वैसे भी ओवरऑल इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइवर्स पर विविध दृष्टिकोणों का समावेशन अच्छी बात है अलग अलग तरह के बच्चे हैं अलग अलग तरह से आप रीजनेबली उनको अकोमोडेट कीजिए ये तीनों बातें पॉजिटिव है नेगेटिव है बी और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है नॉट लिखा हुआ था तो कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देना एकदम खराब तरीका है पैडागोलॉजी में और कोऑपरेशन uh, को बढ़ावा देना यहाँ ठीक है सहयोग को ठीक है ना और uh, एक बार आप लोग पोल में जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व फिर से बफरिंग हो रही है यार बफरिंग मैं अभी पूछूंगी आप लोगों से लास्ट में पोल लेके कि कितने लोगों ने बफरिंग का सामना किया कितने हमारी तरफ से दिक्कत है आपकी तरफ से बीच में तो यहाँ शुरुआत में तो हुई थी बफरिंग अब तो नहीं है कोई दिक्कत है सच लाइव क्लास में भी ऐड क्या करें भाई यूट्यूब <coughs> देता है ऐड सब बंद करा दो मत कमाने दो चार पैसे लोगों को देखना एक बार चलो बहुत बढ़िया सेवेंटी थ्री परसेंट लोग एप्शन कह रहे हैं चलो देखते हैं मैम लोड ज्यादा है इसलिए बफरिंग है पहले तो नहीं होता था ना ऐसा बहुत बहुत लर्नर्स एक साथ पढ़े हैं देखो एक बार सेवेंटी एट परसेंट लोग ए कह रहे हैं चलिए देखते हैं एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट बाय एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक यानी सिक्स टू एट्थ लेवल पे यहाँ प्राइमरी लिख देता तब भी बात सेम ही थी शिक्षक छात्र के शैक्षणिक यानी वो अपने बारे में क्या सोचता है बच्चा उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है कैसे यानी बच्चे की अपने बारे में वो कैसा फील करता है इस कॉन्सेप्ट को प्रभावित कर सकता है पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली जो टीचर है कैसे पहला ऑप्शन है रिवॉर्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स छात्रों में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत पुरस्कृत करके यानी वो उनको थोड़ा सा फ्रीडम देके अपनी एक्टिविटी में जो भी काम वो कर रहे हैं कुछ नए तरीके से अगर क्वेश्चन लिख करके ला रहे हैं तो उस चीज़ को एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स अगर कोई बच्चा इनिशिएटिव ले रहा है किसी भी एक चाहे वो क्लास को मैनेज करने का हो बहुत सारी तरीके की चीजें हो सकती हैं तो बच्चा जहां इंडिपेंडेंट है वो तो अच्छी बात है इससे बच्चों को अपने बारे में अच्छा महसूस होगा कि वो कोई एक्टिविटी कर रहा है किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करेगा तो टीचर उसको फ्रीडम भी दे रहे हैं और उसको उस चीज के लिए रिवॉर्ड किया जा रहा है अप्रिशिएट किया जा रहा है वॉट रिवॉर्ड का मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि उसको कोई पेंसिल दी जा रही है कोई गिफ्ट बॉक्स दिया जा रहा है नहीं उसको एप्रिशिएट भी किया जा रहा है तो वो भी उसके लिए रिवॉर्ड है बात तो सही है कीपिंग वेरी लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्पेशल स्पेशल स्टूडेंट्स यानी वो बच्चे स्टूडेंट हम यहाँ पे किसको कह रहे हैं वो बच्चे जिनको कोई भी स्पेशल नीड है यानी विजुअली इंपेयर है देखने में समस्या है सुनने में समस्या है डेफ एंड डम मूव बधेर हो सकते हैं या चलने में दिक्कत है लोग मोटर डिसेबिलिटी है व्हील चेयर पे है तो स्पेशल स्टूडेंट से आप एक्सपेक्टेशन ही ना रखें वो एकदम खराब तरीका है वो अपने तरीके से सक्षम है वो स्पेशली एबल्ड हैं डिसेबल्ड नहीं है ठीक है ना कीपिंग वेरी लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स अगर आपकी एक्सपेक्टेशन एज अ टीचर लो होगी तो बच्चा भी फिर वैसे ही काम करेगा कि यार टीचर तो वैसे भी मेरे से कुछ एक्सपेक्ट करती नहीं है मैं तो हुई बुद्धू तो क्या ही फर्क पड़ता है क्यों ही पढ़ू माँ बाप भी यही सोचते हैं तो लो एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन का टीचर की एक्सपेक्टेशन का बच्चे के आ, प्रदर्शन पे परफॉर्मेंस पे प्रभाव पड़ता है पनिशिंग इसलिए पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन होगी तो पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा पनिश करना तो आपको अलाउड ही नहीं है राइट टू एजुकेशन एक्ट साफ साफ कहता है नो मुर्गा एंड मुर्गी बनाना कोई दंड आप कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकते तो एक ही ऑप्शन अच्छा था जो जिसमें बच्चा एक्टिव था क्वेश्चन नंबर देख लीजिए वाइगोस्की के बारे में ही क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्टी वाइगॉस्की से कम से कम तीन क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लेव की चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग विद डैश वाइल्ड वर्किंग डैश देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसको जेड पी डी कह देते हैं के अनुसार बच्चे क्रिया किसके साथ फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ सिर्फ पेड़ पौधों के साथ वो तो सोशल ज्यादा दे रहे तो हम मान लेते इंटरैक्टिंग विद मोर अदर पेड़ पौधों के साथ थोड़ी ना इंटरेक्ट करके मोर नॉलेजेबल अदर यानी वो व्यक्ति जो उससे ज्यादा जानता हो मान लीजिए आप पेडोगोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़े हुए क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन है और यह सच भी है कि मैं सालों से इस चीज में एक्सपीरियंसड हूं या ये डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं हम लोग कितने सारे लर्नर्स हैं जो थर्टी आउट ऑफ थर्टी लेकर के आए हैं तो इस केस में मैं मोर नॉलेजेबल अदर हो गई हो सकता है आप मुझे मैथ्स पढ़ा दें कोई और सब्जेक्ट आपका अच्छा हो तो आप वहां मोर नॉलेजेबल अदर हो जाएंगे तो बाइकॉस्की के अनुसार बच्चे मोर नॉलेजेबल अदर के साथ मिलकर के या एक्सपीरियंस करके या इंटरेक्ट करके बातचीत करके, करके क्लासरूम में बड़े हो सकते हैं घर में कोई मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट में हेल्प कर दे उसको वो मोर नॉलेजेबल अदर है जिस क्षेत्र में वो उससे ज्यादा जानता हो ठीक है वाइल वर्किंग इन देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अब ये बात हमने डिस्कस की है अगर आपने प्रीवियस भी देखे होंगे आप बैच में अभी होंगे अभी तो चलेगा कि ये कहा विद इन देयर जेड पी डी भाई जो एक दायरा है जिसके अंदर सीख सकता है व्यक्ति उस दायरे में मदद चाहिए उस दायरे में मोर नॉलेजेबल अदर के साथ इंटरेक्शन चाहिए ऐसा नहीं है जो मेरी रीच के बाहर है उस चीज में हेल्प चाहिए अगर आपको मुझे पता है कि आप बीस नंबर ला सकते हैं दस नंबर की और संभावना है ठीक है मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी हम पढ़ेंगे क्लासेस लेंगे आप कोचिंग लेंगे वॉट और आप स्कोर कर जाएंगे सीट आप क्रैक कर सकते हैं आप में वो क्षमता थी आपके जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट में थी है ना संभावित विकास के दायरे में थी कि संभावना यहां तक विकास हो सकता है एक दायरा ऐसा है ठीक आप यहां थे खुद से इस दायरे में अगर आपको हेल्प मिल जाए मोर नॉलेजेबल अदर की मिल जाए तो आप यहां तक पहुंच जाएंगे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दायरे में साइंटिस्ट बनना भी हो गया अब आप। वो आपके दायरे से ही बाहर है तो विद इन मिलनी चाहिए ना इस दायरे के अंदर मिलनी चाहिए मदद मोर नॉलेजेबल अदर से जिस दायरे में संभावना है कि आप सीख सकते हैं तो अधिक जानकार अन्य से किसके अंदर मिलनी चाहिए समीप दूराभिमुख विकास यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर जहां तक प्रॉक्सिमिटी मतलब संभावना है कि यहां तक विकास हो सकता है इसके अंदर इस दायरे के अंदर अगर आपके दायरे में साइंटिस्ट बनना है ही नहीं तो कैसे आपको मदद से साइंटिस्ट बना दिया जाएगा ठीक है ना तो ये जस्ट आउटसाइड नहीं विद इन दी डी बाहर मदद देने का क्या फायदा है दायरे के बाहर मदद देंगे तो समझ ही नहीं आएगा बच्चे को क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखिए अजर्शन क्या है भाई देर इज नो ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल मूवमेंट वेन अ चाइल्ड एंटर्स इन टू एंटर्स मिडल चाइल्डहुड और एडोलेसेंस यानी वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब बच्चा मध्य बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आता है हमने एज बनाई हुई है कि भाई पांच से ग्यारह वर्ष में मिडिल चाइल्डहुड में होगा बच्चा बारह से अट्ठारह वर्ष में अडोलसेंस यानी किशोरावस्था में होगा या डब्ल्यू एच ओ कहता है दस से उन्नीस में होगा है ना ये हमने एजेस बनाई तो हुई है ये स्टेजेस के हिसाब से हमने अपनी सहूलियत के लिए स्टेजेस बनाई हुई है लेकिन सच ये है क्या एक दिन अचानक से मिडिल आज तारीख है मान लीजिए जितनी भी है क्या डेट है आज इक्कीस मार्च तो 21 मार्च को एक बच्चा है जो 11 साल का है कल वो 22 मार्च को 12 का हो जाएगा तो अचानक से कोई दुनिया पलट जाएगी उसकी एकदम से कोई ऐसा परिवर्तन हो जाएगा 12 का होते ही कि पता नहीं अलग से पता लग गया कोई स्पेसिफिक डिफाइनेबल है नहीं वो तो ग्रेजुअली चल रही है चीजें ठीक है ना तो डिफाइनेबल मूवमेंट है यह कहना गलत होगा कि एक दिन निर्धारित करते हैं सारे चेंजेस जो भी प्यूबर्टी के आने हैं एडोलेसेंस के आने हैं उसकी आवाज में परिवर्तन मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर लड़कियों में शुरू होनी है तो वो उस तुरंत किसी एक डिफाइनेबल मूवमेंट में शुरू होगी नहीं अगर सेम एज के दो लड़कियां हैं या दो लड़के हैं यानी गर्ल्स हैं या बॉयज हैं जरूरी नहीं उनमें जो भी प्यूबर्टिकल चेंजेस जो प्यूबर्टी की वजह से आने वाले हैं, में जो आने वाले वाले चेंजेस चेंजेस हैं हैं एडोलेसेंस में जो वो सेम डे पे होंगे बेशक सेम एज हो तो एज तो हमने समझने के लिए बनाई हुई है ऐसा कोई एक पर्टिकुलर मूवमेंट नहीं होता कि आज ही बच्चे के दांत इसी दिन निकलेंगे अब ये एक साल एक महीने का हो गया तो अब तो ये हो ही जाएगा नहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है तो कोई डिफाइनेबल मूवमेंट नहीं है क्यों क्योंकि डेवलपमेंट क्या है एक है है ना, continuous process है, तो ये दोनों ही बातें एक दूसरे के लिए सही एक्सप्लेनेशन right आपको पता है ये कॉन्टिन्यूस वर्सेज डिसकॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट की एक डिबेट है कि कुछ लोग ये मानते हैं जैसे कि प्याजे की डेवलपमेंट क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस है तो एक स्टेज दूसरी स्टेज तीसरी स्टेज तो स्टेज में बांट दिया

Continuity में चले जाते हैं इसलिए ने एज को कोई खास महत्व दिया भी नहीं है क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर क्या कहता है फटाफट से पोल में जवाब देंगे स्पीड पकड़ेंगे थोड़ी सी इन प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्लासरूम एक तरह से हम जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है बाल केंद्र जहां बच्चा सेंटर में है टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव मिलेंगे यहाँ पे बोथ क्या सिर्फ टीचर एक्टिव मिलेगा नहीं ये टीचर सेंटर्ड नहीं है ना चाइल्ड सेंटर्ड है बोथ टीचर एंड स्टूडेंट टीचर प्लस स्टूडेंट आर एक्टिव इन दिस क्लास तो ये सक्रिय क्लासरूम है यहां थोड़ी चहल पहल रहेगी बच्चा भी एक्टिव है टीचर भी एक्टिव है बच्चे की नीड्स को उसके इंटरेस्ट को उसके एप्टीट्यूड को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाएगा तो हम क्या कहेंगे यहां पे प्रोग्रेसिव क्लासरूम में आकलन कैसा होगा यानी टेस्ट कैसे लेंगे आप डायनेमिक रूप से लेंगे है ना अगर कोई बच्चा है जो ओरली क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से बता पाता है उससे ओरली ले लेंगे किसी बच्चे को बोलने में दिक्कत होती है हम उससे लिखवा करके ले लेंगे तो ये क्या है गतिशील होगा डायनेमिक होगा चेंजेबल होगा ऐसा नहीं है मानक बिल्कुल नॉर्मेटिव सेट है कि सबको वही बोर्ड परीक्षा से गुजरना है नहीं ठीक है ना समेटिव है यानी सिर्फ जजमेंटल होगा नहीं ऑब्जेक्टिव है यानी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा नहीं डिफरेंट तरीके से डिफरेंट बच्चे को जांच सकते हैं तो फ्लेक्सिबल होगा डायनेमिक होगा चेंजेबल होगा आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर कहता है इन ऑर्डर टू द इंडिविजुअल लर्नर्स अड्रेसिविजुअल टीचर शुड शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए शिक्षक को देखिए आज डे दे वन है प्रैक्टिस का धीरे धीरे जब आप 10-12 सेशन प्रैक्टिस के हो चुके होंगे आप अपने आप पाएंगे कि आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ गया क्वेश्चन को पढ़ने की अप्रोच बदल गई आपकी और पढ़ के समझने की है ना क्योंकि आंसर तो यही है चार ऑप्शन में ही ठीक है ना देखो एक बार शिक्षार्थियों के बीच ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को आंसर्स भी मार्क दे देंगे आ, क्या करना चाहिए टीचर को कि बच्चों के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनकी भाषा में उनके इंटरेस्ट में सारे बच्चे सेम सब्जेक्ट पसंद नहीं करेंगे उनके एप्टीट्यूड में उनकी क्षमताओं में उनके स्किल्स में बहुत सारी चीजों में अंतर है उनके कल्चर में उनके दिखने में तो टीचर को क्या करना चाहिए एड्रेस करने के लिए एज फीचर्स ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी यानी विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए कि हाँ ये तो हमारी खूबी है कि हम सब में विभिन्नता है हम कहते हैं यूनिटी इन डायवर्सिटी की बात करते हैं इंडिया में हम कि भारत क्या है एक विभिन्नताओं में एकताओं का देश है जहां इतने सारे त्यौहार हैं इतनी सारी भाषाएं हैं इतने अलग अलग तरह का की संस्कृति फॉलो करते हैं लोग ये सारी चीजें चलो बात तो पॉजिटिव लग रही है फिर भी बाकी के ऑप्शन तो चेक करेंगे इंप्लीमेंट रिजिड एंड यूनिफॉर्म करिकुलम देखिए ये दोनों ही वर्ड इतने नेगेटिव हैं पूरे एग्जाम में कि जब तक ऊपर क्वेश्चन में नॉट ना लिखा हो तब तक आप इन वर्ड्स के साथ ना जाएं रिजिड का मतलब होता है सख्त जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी कोई लचीलापन ही ना हो तो सख्त सिस्टम तो टूट जाता है है ना वो हम ये कहेंगे कि वो वाला एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि यार जो फलदार वृक्ष होते हैं वो झुक पाते हैं नहीं तो टूट जाते हैं ज्यादा सख्त होते हैं तो ये रिजिड वही वाली बात है कि सभी के लिए अगर हम क्या करेंगे पाठ्यक्रम सेम लागू कर देंगे सेम सिलेबस सेम करिकुलम तो क्या होगा फिर तो रोबोट थोड़ी है बच्चे डिफरेंट डिफरेंट बच्चे हैं सबको अपने अपने इंटरेस्ट की चीजें करने का मौका मिलना चाहिए यूनिफॉर्म करिकुलम यूनिफॉर्म पहनने में अच्छी लगती है पढ़ाने के तरीकों में सिलेबस में यूनिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए एक्नॉलेज डिफरेंसिस एज एबनॉर्मल एंड काइंड ऑफ डेफिसिट यानी जो भी अंतर है वो एबनॉर्मल है यानी आपसे अगर कोई अलग है तो एबनॉर्मल है ये भी हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेज को हम केटर कर रहे हैं यहाँ पे बी इन डिफरेंट टुवर्ड्स इंडिविजुअल डिफरेंसेज यानी आपको फर्क ही नहीं पड़ता इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं क्लासरूम में यह भी गलत तरीका हो जाएगा एक ही ऑप्शन है कि आप कंसिडर कर लें डिफरेंसेस को कि ये तो रहने ही है ऑब्वियस फीचर है, है अंतर सामान्य बात है तो ए ऑप्शन ही सही है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन क्या कहता है आलोक शोज द फॉलोइंग बिहेवियर्स होल्ड्स हेड इन एन ऑकवर्ड पोजिशन वेन रीडिंग यानी आलोक एक बच्चा है जब वो पढ़ता है यानी किताब पढ़ रहा है मान लो तो अजीब सा गर्दन कर लेता ऐसे है ऐसे टेढ़ा करके या भी ऑकवर्ड पोजिशन में वो गर्दन को आ, रखता है पढ़ते समय कोई भी जो भी उसके सामने टेक्स्ट है मेरे सामने कुछ है नहीं बट एक छोटी सी ये रखी हुई है तो पढ़ते हुए कभी वो ऐसे कर रहा है कभी ऐसे कर रहा है कभी अलग अलग तरह से ऑकवर्ड पोजिशन बना रहा है ठीक स्क्विंटिंग एंड रबिंग द आईज कभी आंखें खुजली कर रहा है कभी रगड़ रहा है eyes frequently redness swelling of eyes उसकी आंखें लाल हो रही हैं swelling आ गई है इतना उसने खुजली की आंखों में या उसको बार-बार आंखों को खोलना बंद किया मूंदना मूंदना जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे कंफ्यूजिंग लेटर्स अब ठीक से देख नहीं पा रहा होगा ये सब करते-करते तो लेटर्स को भी वो कंफ्यूज कर रहा है दीज कैन बी सिम्टम्स ऑफ पोटेंशियल ये है किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं फटाफट से बताइए किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना आंखों में लाली सूजन अक्षर पहचानने में भ्रम, भ्रमित होना ये किसके लक्षण है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नहीं ऑटिस्टिक बच्चे को पढ़ने में कठिनाई थोड़ी होती है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हाँ कम्युनिकेशन में होती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको लेटर पहचानने में दिक्कत हो रही है विजुअल प्रॉब्लम है ये बिल्कुल अगर आपको ऐसा नजर आए बार बार बच्चा खड़े होकर के देख रहा है बोर्ड की तरफ वो पढ़ नहीं पा रहा कभी आगे आ जाता है कभी खड़े होकर देखता है तो आप उसको कहेंगे बेटा आई टेस्ट करा लो और आ, मतलब जांचने की जरूरत है कि कोई उसको दृष्टि संबंधी कोई दिक्कत तो नहीं है है ना आईसाइट कई बार वीक हो जाती है बच्चों की कोई और दिक्कत हो सकती है आंखों में तो ये दृष्टि संबंधित समस्या है जिसमें बच्चा बार 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 वो देख नहीं पा रहा ठीक से स्पेलिंग मिस्टेक भी इसलिए हो रही है ये लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम नहीं है ये विजुअल प्रॉब्लम है ये आपको पढ़ के समझ आ जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर एटीन देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर एटीन क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ मास्ट्री गोल ओरिएंटेशन ये मैंने आपको मैराथन के डे वन पे कराया था

तो गोल का जो ओरिएंटेशन है सेंटर ऑफ गोल है जो गोल बनाया गया वो किसके लिए मास्टरी के लिए कि आपको मास्टर बनना है किसी चीज में याद कीजिए रनछोड़ दास आ, आमिर खान उस मूवी में जो कैरेक्टर है ना आजकल लद्दाख में समस्या चल रही है भाई जो उनक वांगड़ू और समथिंग नाम रखा हुआ था ना अवगत है आप लोग डी ऑप्शन सिक्सटी लोग कह रहे हैं देखते हैं एक बार मास्टरी गोल ओरिएंटेशन कौन सी चीज को दर्शाएगा कौन से ऑप्शन में आपको पता लगेगा कि मास्टरी ओरिएंटेशन या महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन हो रहा है पहला ऑप्शन है फोकस ऑन अचीविंग हाई ग्रेड फॉर रिसीविंग एक्सटर्नल रिवॉर्ड यानी आप ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं क्योंकि एक्सटर्नल रिवॉर्ड मिलेगा पापा ने कहा साइकिल दिलाएंगे कंप्यूटर दिलाएंगे फोन मिलेगा नया बाइक मिलेगी नई जो भी अलग अलग तरह की चीजें हैं तो आप इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं तो इसको तो हम मास्टरी नहीं कहते इसको हम परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन कह रहे हैं कि आप परफॉर्म करने में इंटरेस्टेड हैं क्योंकि कुछ मिलेगा आपको एक्सटर्नल है ठीक फोकस ऑन अवॉइडिंग फेलियर और पनिशमेंट फॉर फियर ऑफ ह्यूमिलिएशन तो ये चतुर रामलिंगम है वो याद है ना मूवी में ये थ्री इडियट में अभी दिखाऊंगी तो वो चतुर वाला जो रोल है उसको रट्टाफिकेशन हो कुछ भी हो बस उसको नंबर वन आना है चाहे रट के आए चाहे कुछ भी आए उसको फेवरेट रहना है टीचर्स का दूसरा है फोकस ऑन अवॉइडिंग फेलियर और पनिशमेंट पनिशमेंट और फेलियर से बच जाऊं अपमान से बच जाऊं किसी तरह से राजू रस्तों की याद कीजिए बस फेल ना हो जाऊं कहीं से फिर तो वो बहती हवा सा करके उसको लेके जाना पड़ा था तो ये क्या है ये फेलियर अवॉइडेंस है क्योंकि ये फेलियर से बचना चाहता है ये व्यक्ति भी मास्टरी ओरिएंटेशन की तरफ नहीं है मास्टरी की तरफ ध्यान नहीं है इसका भी ठीक है ना तो ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा क्योंकि ये हो गया परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन ये फेलियर अवॉइडेंस हो गया फोकस ऑन अचीविंग अ सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फॉर कंपीटिंग विद अदर्स यानी आप कॉम्पीट करना चाह रहे हैं दूसरों के साथ तो यह भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन ही है फोकस ऑन इंप्रूविंग वन स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान है आपका यानी उस टास्क में महारत हासिल करने पर ध्यान है मास्टर बनने पर ध्यान है ना यानी आप क्या बेस्ट कर सकते हैं उस पर ध्यान है डी ऑप्शन तो ये अचीवमेंट गोल ओरिएंटेशन उपलब्धि लक्ष्य अनुमुखीकरण तीन तरह के गोल ओरिएंटेशन होते हैं मोटिवेशन से जुड़ा हुआ टॉपिक है ये मास्टरी ओरिएंटेशन निपुणता पे ध्यान होता है आप मास्टर बनना चाहते हैं किसी चीज में इसमें रीजन बाहर नहीं होता बस आप वो चीज में इंटरेस्टेड है मास्टरी हासिल करना चाहते हैं इसलिए उस काम को कर रहे हैं तो ये आमिर खान वाला एग्जाम्पल था, था थ्री इडियट में दूसरा है फेलियर अवॉइडेंस यानी विफलता परिहार बस आप फेलियर से बचना चाहते हैं कुछ भी करके भगवान तेतीस दिला दे फेलियर अवॉइडेंस फिर आता है परफॉर्मेंस अप्रोच प्रदर्शन दृष्टिकोण के रिवॉर्ड मिलेगा या फर्स्ट आना है कुछ भी करके चाहे रट के आए पढ़ के आए जैसे भी आए यह है ये चतुर ठीक तो ये तीनों कैरेक्टर तीनों ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन कर देते हैं इन तीन ओरिएंटेशन पे पुराने जमाने से क्वेश्चन आते रहे हैं और आते रहेंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देख लीजिए अब ये क्या कहता है अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे द एबिलिटी टू यूज सिंबल्स फॉर सिंबल्स ध्यान से पड़ेगा यूज सिंबल्स फॉर सिंबल्स सिर्फ यूज सिंबल्स होता तो आंसर अलग हो जाता यूज सिंबल्स फॉर सिंबल्स सच एज लेटिंग द लेटर एक्स स्टैंड फॉर एन अनोन न्यूमरल डिवलप्स ड्यूरिंग डैश एंड एनिबल्स द चिल्ड्रन टू लर्न डैश अब बताइए यूजिंग सिंबल्स यानी चिन्हों का चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग, प्रयोग. बताइए बहुत बढ़िया हिमाचली गर्ल पहली बार जुड़े आप में से बहुत सारे लोग होंगे पहली बार जुड़े होंगे जवाब दे दो यार दो घुट दो बूंद जिंदगी की वो याद है ना पोलियो का एड पी लेते हैं मतलब पानी कोई कह रहा है कि ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया अभी गलत और सही से ज्यादा इस बात पे फोकस कीजिए कि कुछ पल्ले पड़ रहा है या नहीं कुछ समझ में आ पा रहा है कि नहीं है ना ये तो शुरुआती सेशन है ना पहले दिन दस किलोमीटर दौड़ लगाओगे क्या अभी तो वार्म अप करो एक किलोमीटर की तैयारी करो देखो एक बार अगर हम बात करें जीन प्याजे की आ, कहते हैं उनकी स्टेज में कौन सी वो स्टेज है चार स्टेजेस हैं उनकी जिसमें यूज सिंबल्स फॉर सिंबल्स जीन प्याजे का कॉग्नेटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत है दिमाग के विकास का मानसिक विकास कह लीजिए तो जीन प्याजे की थ्योरी में यही डेवलपमेंट को डिसकॉन्टिन्यूस कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से इवन आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए चार स्टेजेस हैं इनकी एस पी सी एफ एसपीसीएफ बोले तो सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल यानी इंद्रिय गामक पूर्व संक्रियात्मक मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक जन्म से दो वर्ष सेंसरी मोटर दो से सात प्री ऑपरेशनल सात से ग्यारह कॉन्क्रीट और ग्यारह एंड अब या पंद्रह ग्यारह से पंद्रह क्या फॉर्मल ऑपरेशनल देखो अगर पूछा होता पेपर में सिंबल्स यूज करने की क्षमता कब आ जाती है बच्चे में यानी ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल क्या है सिंबल है बॉल के लिए सिंबल बी बन गया सिंबल तो यूज करना आ जाता है बच्चे को दो से सात वर्ष में यानी प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक में जो इस ऑप्शन में ही नहीं है चारों ऑप्शन से तो आपकी कंफ्यूजन तो दूर हो गई कि इसमें से तो आंसर होगा नहीं symbols symbols. ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट बात हो गई यूज सिंबल्स फॉर सिंबल्स यानी चिन्हों के लिए चिन्हों का ही प्रयोग तो थोड़ी मेटा लेवल की बात हो गई ना बियॉन्ड जो दिख रहा है उसके परे और जो दिख रहा है उसके परे जब भी आ जाए तो अमूर्तता की बात हो रही है, की जा सके। अब जब आपको एक्स मानला है किसी एक नंबर को मान लीजिए नो को आपने कह लिया कि नाइन के साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाए तो आप क्या अज्यूम कर लेते हैं अच्छा ये नाइन एक्स प्लस टू एक्स मिलाकर के कुछ एक इक्वेशन बना लेंगे और बाद में एक्स की वैल्यू आ जाएगी निकल के है ना

ये कह रहे हैं कंजर्वेशन एंड सीरिएशन तो भाई ये तो सात से ग्यारह में ही हो जाता है कंजर्वेशन और सीरिएशन तो यहां हो जाता है कॉन्क्रीट में ही तो ये तो साथ में कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा एक ही ऑप्शन सही है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होगा नहीं क्योंकि सिंबल्स फॉर सिंबल्स की बात चल रही है यहां तो थिंग्स फॉर सिंबल्स हो सकता था कि पेन को सिंबल से यूज कर रहे हैं तो वो कॉन्क्रीट चीज होगी तब तो बात आएगी तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिएगा देखिए लेंदी है पेपर ये बात आपको माननी पड़ेगी समय ज्यादा लगता है अगर डिस्कशन किया जाए तो कथन और कारण स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू डू वेल एंड स्टे इन स्कूल इफ दे हैव इमोशनल अटैचमेंट टू देयर स्कूल एंड बिलीव दैट दे मैटर जो लोग बैच में उनको पता होगा ये मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे इस बार मतलब कल जब हम एक टॉपिक कर रहे थे उसमें ही आपको बताया था कि इस बार इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है जो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है आपस में जुड़े हुए होते हैं टी डी क्वीन टी शर्ट चाहिए वो तो आपको बनवानी पड़ेगी मैं तो इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हूं सीडी भी कोई ना आप मुझे कहे और मैं वो अपनी टी शर्ट बनवा के खुद से ही पहन के घूमू है ना ये काम आपको खुद करना पड़ेगा हम आपको लर्न की टी शर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं देखो एक बार आ जाओ इधर से फटाफट से जवाब दो सेवेंटी फोर परसेंट लोग सीख रहे हैं देखते हैं देखो कथन क्या है स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू डू वेल एंड स्टे इन स्कूल इफ दे हैव इमोशनल अटैचमेंट टू देयर स्कूल एंड बिलीव दैट दे मैटर बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे स्कूल में यदि उन्हें लगेगा कि ये हमारा स्कूल है आज भी आप सोचिए आपके स्कूल आपके कॉलेज से आपको सामने से भी निकल के जाएंगे तो लगेगा यार ये मेरा स्कूल है है ना यही हमारा स्कूल था अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है स्कूल में तो अगर एक्सपीरियंस खराब रहा है तो भी एक बार को तो आप सोच ही लेते हैं यार कितनी सारी मेमोरीज हैं फिर आप सोचते हैं यार बड़ा खराब था अच्छा हुआ निकल गए है ना लेकिन अगर आपको एक्सेप्टेड फील कराया गया तो है उस स्कूल में इमोशनल कनेक्शन आपका ठीक था इमोशनल अटैचमेंट आपका ठीक ठाक है स्कूल से तो आप अच्छा परफॉर्म करते हैं अच्छे से सीख पाते हैं मन लगता है यदि आपका स्कूल में तो ये बात सही है इसमें कुछ गलत तो नहीं है अगर इमोशनल अच्छा माहौल है अच्छे टीचर्स हैं सारी चीजें आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है तो आप अच्छा महसूस करेंगे अच्छा प्रदर्शन करेंगे रीजन क्या है इसका इमोशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग यानी अगर आपके पॉजिटिव इमोशंस हैं किसी चीज को सीखने के प्रति कि यार हाँ सीख लेंगे बढ़िया पढ़ाते हैं हिमांशी या बढ़िया डिस्कशन होता है यहाँ पे सीख जाएंगे आ जाएंगे तीस में से तीस तो आपका पॉजिटिव इमोशन है यदि किसी जगह से व्यक्ति से तो आपकी लर्निंग पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा उस चीज का और आपने पहले सोच लिया नहीं यार कहाँ से हो जाएगा समझ में तो कुछ आ नहीं रहा पहला दिन है तीस में से तीस आने चाहिए थे उनतीस कैसे आ रहे हैं तो ये फिर तो दिक्कत होगी आपके नेगेटिव इमोशन ही नेगेटिव हो गए उस केस में तो ये बात भी सही है कि यदि बच्चे लगाव महसूस करते हैं स्कूल से तो वो बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता उनकी ज्यादा हो जाती है संभावना उनकी क्योंकि इमोशंस जो है वो लर्निंग पर प्रभाव डालते हैं आपका इमोशन काग्नेशन जो भी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट भी है मान लीजिए फिजिकल काग्नेटिव सोशियो इमोशनल ये सब आपस में जुड़े हुए हैं आपका शारीरिक विकास आपका सामाजिक विकास सामूहिक विकास संज्ञानात्मक विकास सब आपस में जुड़े हुए हैं बोथ ए एन आर आर टू एन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ट्वेंटी फर्स्ट देखिए किस सवाल फटाफट से और जवाब दीजिए कोई कह रहा है एडवर्टीजमेंट गए एक काम करो बैच में आ जाओ नहीं आएगा एक भी सिंगल एडवर्टीजमेंट आ जाए तो बताना फिर मजे लेने इनको बस और कुछ नहीं है आ जाओ फटाफट से देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन सॉल्व करो और बताओ क्वेश्चन hmm, ही छुप गया आपके एडवर्टीजमेंट में हाँ देखिए एक बार फटाफट से बताओ कोई छोटू पाल हैं रहा है कह रहे हैं इंग्लिश कम बोलो मैडम जी गुस्सा आता है जब स्कूल में जाइएगा हैं प्राइमरी में एलिमेंट्री में और सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे बच्चों को तो क्या इंग्लिश पढ़ाएंगे नहीं उनको या फिर पेपर जब बायलिंग आएगा और इंग्लिश की साइड देखना पड़ेगा टर्मिनोलॉजी के लिए सब्जेक्ट में वैसे भी टर्म्स इंग्लिश में याद होने चाहिए तो क्या कीजिएगा तब भी गुस्सा कीजिएगा देखिए एक बार डी ऑप्शन सेवेंटी सेवन परसेंट देखिएगा Which of the following best describes the role of the teacher in progressive education? प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन कर सकता है देखो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब है यहाँ चाइल्ड सेंटर्ड जो बच्चे को सेंटर में रखे जहां बच्चा सेंटर में है तो बच्चा सेंटर में मतलब चाइल्ड सेंटर्ड है टीचर की भूमिका कैसी होगी इसमें एक्टिव होगा टीचर भी और बच्चे भी एक्टिव होंगे यही बात हम थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे तो द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग स्ट्रिक्ट एडेयरेंस टू करिकुलम स्टैंडर्ड्स नहीं 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 स्ट्रिक्ट नहीं होना यहां पे पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन कड़ाई वड़ाई कुछ नहीं चाहिए थोड़ा सा फ्रीडम बच्चे और टीचर दोनों एक्टिव है ना द टीचर लेट्स द चिल्ड्रन लर्न इंडिपेंडेंटली एंड डज नॉट इंटरफियर इन देयर लर्नर इन देयर लर्निंग यानी शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और हस्तक्षेप नहीं करता हस्तक्षेप नहीं करेगा तो दिक्कत होगी मतलब हस्तक्षेप नहीं करना बट इन्वॉल्वमेंट तो चाहिए टीचर का ऐसा थोड़ी चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब या प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब जो जॉन डुई ने जिस पर बात की है यह थोड़ी कहा है उन्होंने कि भैया टीचर को खत्म कर दो आई I मीन mean, क्लास से हटा दो या टीचर्स की अब जरूरत ही नहीं है बच्चे अपने आप सीखेंगे जो सीखना है नहीं तीन चीजें कहती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन वो तीन चीजें क्या है भाई सीसीएल सीसीएल क्या है काम का है हर बार पूछ लिया जाता है ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म्स से मैं याद करा देती हूँ आपको सारी चीजें है ना सीसीएल बोले तो बच्चा बाय बर्थ क्यूरियस है यानी जिज्ञासु है इसीलिए वो आपसे इतने सारे सवाल पूछता है और आपकी उस, आप उसकी जिज्ञासा को मार देते हैं वो कुछ दीवारों पे कुछ बनाने की कोशिश करता है आप उसको एक बोर्ड भी ला नहीं देते और दीवारों पर भी नहीं लिखने देते तो उसकी जिज्ञासा मर जाएगी तो जिज्ञासु है बाय बर्थ बच्चा क्रिएटिव पोटेंशियल रखता है यानी रचनात्मक है कुछ नया करने की क्षमता रखता है अगर आप उसको माहौल देंगे तो और लर्निंग की एबिलिटी है उसमें सीखने की क्षमता के साथ जन्म लेता है इसलिए आप बच्चे में कमी नहीं निकालते पूरी पैडागोलॉजी में इसका यही तीन रीजन है आप बच्चे में कमी नहीं ढूंढते नहीं सीख पा रहा तो इसकी गलती होगी गई तो सीखना नहीं चाहता नहीं आप अपने रीजन देखते हैं ये नहीं पेरेंट्स को बुलाएंगे अच्छा इसका तो ध्यान नहीं लगता मैडम अपने बच्चों को ठीक कर लो आप नहीं आप ये मान के चलते हैं कि बच्चा बाय डिफॉल्ट क्यूरियस है यानी नेचुरली वो जिज्ञासु है सीखने की क्षमता के साथ जन्म लेता है और कुछ नया करने की क्षमता के साथ जन्म लेता है तो ये तीन क्षमताएं प्रोग्रेसिव एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बाल केंद्रित शिक्षा मान के चलती है द टीचर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज एंड अथॉरिटी इन क्लासरूम ये एकदम खराब तरीका है कि हिटलर शाही है टीचर सेंटर्ड क्लासरूम है ये प्रोग्रेसिव नहीं है चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है कि टीचर ही ज्ञान का निर्माता है बस टीचर को ही पता है जो पता है नहीं टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं द टीचर प्रोवाइड्स डाइवर्स मटीरियल फॉर चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट एंड प्रोवाइड स्केफ फोल्डिंग एज एंड वेन नीडेड स्कैप फोल्डिंग का मतलब क्या है टीचर एक तो बच्चों को प्रयोग करने का अवसर देता है कि वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें खेलें कूदें कोई एक्टिविटी करें उनको उस तरह के मटेरियल मिलेंगे चाहे वो मॉडल हो कोई पिक्चर दिखा दी कुछ है कोई एक्टिविटी करा दी कहीं फील्ड ट्रिप फील्ड ट्रिप पे ले गए साइंस एग्जीबिशन में ले गए वहां देख लिए बच्चे ने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स या जो भी चीजें हैं आवश्यकता पड़ने पर आलंबन भी मिलेगा जहां बच्चा अटकेगा वहां मदद भी मिलेगी स्कैप फोल्डिंग भी मिलेगी वही वाइकॉस वाली ठीक है ना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिए यानी बाईसवा सवाल फटाफट से बताइएगा कैरेक्टराइज़ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन सामाजिकरण आज ही सोशलाइजेशन हुआ था ना सी टेट बच में भी ठीक है ना मुझे यानी ये एक नॉट नहीं लिखा हो ना पेपर में तो ये कौन से नशे हैं जो आप लोग ए ऑप्शन दे रहे हो थर्टी नाइन परसेंट लोग अच्छा अच्छा ओके अच्छा, ओके okay, okay. आप तो ठीक ही दे रहे हो मेरे ही कुछ और हैं देख लो एक बार अगर हम बात करें इट इज अ लीनियर प्रोसेस यानी यह, ये, ये एक रेखीय प्रोसेस है एक बात याद रखिएगा कोई प्रोसेस रेखीय नहीं है पूरे आपके सिलेबस में पेडगोलॉजी में ना तो डेवलपमेंट कोई रेखीय प्रोसेस है, है स्ट्रेट लाइन है ना सोशलाइजेशन कोई रेखीय प्रोसेस है या लीनियर है कोई भी जो एक प्रोसेस है वो लीनियर नहीं हो सकती कि दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो, प्लस, दो आज इतना सीखा कल भी इतना सीखा परसों भी इतना सीखा आज बच्चा इतना बड़ा हुआ कल भी उतना ही होगा परसों भी उतना ही होगा नहीं भाई कई बार आप देखते हैं आप एक बार में बीस सवाल सॉल्व कर दिया आपने कई बार होता है एक सवाल आपको याद होगा स्कूल टाइम पे भी एक सवाल में आप परेशान हो गए एक क्वेश्चन पे आप अटके हुए आधे घंटे से तो लीनियर नहीं होता आगे पीछे आगे पीछे स्पाइरल प्रोसेस है कोई भी प्रोसेस तभी प्रोसेस है जब वो स्पाइरल है नहीं तो लीनियर तो भाई डेड वाली बात हो जाएगी वो मूवीज में आपने देखा ही होगा मैं बार बार एग्जाम्पल लेती रहती हूँ कि वो नहीं होती जो ईसीजी चलता रहता है आई थिंक जो पल्स चलती रहती है व्यक्ति की तो वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता रहता है जैसे ही वो स्ट्रेट लाइन हुआ बंदा टाटा बाय भाई बाय भाई फिनिश भाई टी, टी, टीवी सीरियल्स में ऐसे ही देखा ना हमने और मूवीज में भी रियल में भी होता ही है ऑफकोर्स तो अगर हम बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता क्योंकि डेड वाली बात हो जाएगी टाटा बाय बाय फिनिश वाली बात हो जाएगी लीनियर नहीं होगी प्रोसेस ना तो डेवलपमेंट ना तो विकास की प्रक्रिया ना सामाजिकरण की प्रक्रिया रेखिया नहीं होती बेसिकली कोई भी प्रक्रिया रेखी तो आपको रेयर ही कहीं देखने को मिलेगी हमने आज तक पढ़ा नहीं पढ़ाया नहीं कि प्रक्रिया रेखीय है क्योंकि प्रक्रिया तभी है चाहे वो लर्निंग की हो चाहे वो डेवलपमेंट की हो आज आपने कम सीखा कल ज्यादा सीखेंगे आगे पीछे आगे पीछे स्पाइरल की फॉर्म में है है ना कि आज इतना सीखा फिर आगे आए फिर पीछे गए आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फिर डाउट आ गया तो फिर पीछे आ गए फिर से किसी से डाउट क्लियर किया तो फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चले गए है ना एक स्टेज में बच्चे की हाइट बढ़ती है दूसरे में उसके अंदर ताकत आती है तो आगे पीछे आगे पीछे बैक एंड फोर्थ चलती रहती है प्रोसेस ऐसे ही सोशलाइजेशन है कुछ चीजें आप हटाते हैं कुछ नई चीजें आप सीखते हैं तो ये क्या है लीनियर प्रोसेस तो नहीं है इतनी बात क्लियर है तो ये तो हट गया इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस प्रोसेसोर्स कोई भी प्रोसेस ईजी नहीं होती हलवा नहीं होती सिंपल नहीं होती अगर चाहे वो सामाजिकरण हो कि आप समाज में रहने के तौर तरीके नियम कायदे कानून कौन सी चीजें एक्सेप्टेबल हैं कौन सी नहीं कहां कैसे बिहेव करना है कौन से कपड़े पहनने हैं कौन सी बातें करनी है ये सब सामाजिकरण में तो आता है तो सामाजिकरण सिंपल कैसे हो सकता है ये कोई भी प्रोसेस चाहे वो डेवलपमेंट हो लर्निंग हो कॉम्प्लेक्स ही होती है भाई सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ही जाती है यह एक जटिल प्रक्रिया है ठीक है एक बहु बहुआयामी प्रक्रिया है यानी मल्टी डायमेंशनल है अभी मैंने इतने सारे आयामों की बात की सब तो आ गए इसमें पहनावे से लेके बातचीत से लेके रहन सहन से लेके खाने पीने से लेके त्योहारों से लेके या एक समाज कैसे समय के साथ बदलता है आज से 20 साल पहले सिचुएशन अलग थी आज से 20 साल पहले की मूवीज अलग थी आज अलग हैं 20 साल बाद अलग होंगी यूट्यूब नहीं था आज है वो दूरदर्शन वाला एंटीना ऐसे सेट कर करके काम चलाते थे ब्लैक एंड वाइट टीवी थे तो ल्टीमेशनल तो है चेंजेस इतनी तरह के है इट टेक्स प्लेस यूनिकली इन डिफरेंट अलग 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 संस्कृति में अलग -अलग तरीके से विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है इवन शादी का तरीका अलग 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 कल्चर में अलग होगा अगर हम यूरोप में जाएंगे वहां अलग तरीके से शादी हो रही है चर्च में या वट हमारे यहाँ अलग तरीके से हो रही है इवन धर्म के आधार पर अलग अलग तरीके हैं एक शादी जस्ट एक एक्जाम्पल एक एक लिया है सबको समझ में आता है कल एक ब्लॉग डाल देंगे हम भी अभी शादी के माहौल से निकले तो शादी शादी याद आ रही है, है ना और इवन डेथ के भी रिचुअल्स और सारी चीजें डिफरेंट होती हैं अलग अलग कल्चर में कहीं पे दफनाया जा रहा है कहीं पे जला रहे हैं हम कहीं पे कुछ और कर रहे हैं मतलब तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें प्रीवियसली अगर आप हिस्ट्री में चले जा तो तब और डिफरेंट तरीके थे तो ये क्या है यूनिक है हर एक कल्चर में ठीक है बात तो ए को छोड़ दें तो बाकी सारी बातें सही है क्योंकि ये लीनियर तो नहीं है बाकी सब तो है सही है लेकिन जहां जहां ए है उसको हटा दो अगर आपको आंसर नहीं भी पता तब भी आपको पता ये ए नहीं हो सकता सही तो ए को तो हटाई दिया बी और सी तो भाई डी में क्या दिक्कत थी तो बी सी डी तीनों सही है ए ऑप्शन इज राइट आंसर ओवर हियर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड देखिएगा क्या कहता है हैं सवाल लास्ट में बताना बफरिंग का किस्सा आप पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं और सेवन क्वेश्चंस रहते हैं आपके थर्टी क्वेश्चंस का सेट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एडोलेसेंस एडोलेसेंस क्या है बारह से अठारह किशोर अवस्था टीन एज जिसको हम कह देते हैं इसके बारे में सही नहीं है किशोरावस्था के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है

यानी कल्चर अलग अलग है और तरीका सेम रहेगा ऐसा नहीं हो सकता अभी हमने बात की शादी से लेके जन्म से लेके यानी बर्थ के टाइम पे भी अलग अलग जगह पे अलग अलग रिचुअल हैं सेलिब्रेट अलग तरह से करते हैं लोग नाम रखने के तरीके अलग हैं है ना तो जन्म से लेके मृत्यु तक जितनी भी चीजें हो रही हैं वो एज चाहे सेम हो तरीका सेम नहीं हो सकता हर कल्चर में यानी दुनिया के हर कोने में सेम तरीके से एडोलेसेंस में डील कर रहे हैं हम सबके साथ नहीं कहीं पे सेलिब्रेट किया जाता है एडोलेसेंस को और कहीं पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होते हैं पेरेंट्स के भाई ध्यान रख लो ये तो आजकल बहुत बाल, बाल बनाने पर ध्यान देने लग गया है है ना बहुत मेकअप पे ध्यान देने लग गई है वो होते हैं ना थोड़ा टीनेज वाले बच्चे या टीनेजर्स जो हैं वो वैसे भी अपने आप को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं तो पेरेंट्स कई बार पीछे पड़े रहते हैं कि बस इस एज में संभल जाए किसी तरह से तो वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कुछ पेरेंट्स फ्रेंडली हो जाएंगे तो वो डिपेंड करेगा ऐसा नहीं सब में सेम कल्चर सब में सारे कल्चर्स में सेम तरीका हो सेम तरीके से एक्सपीरियंस नहीं करते सारे अडोल्सें बी ऑप्शन सही है क्योंकि यही गलत है और जो गलत है है वही सही है। क्योंकि पूछा ही गलत है हाँ, कोई भी किसी एक कोने में है दूसरा व्यक्ति जो दूसरे कोने में, तीसरा कहीं, तीसरे कोने में होगा दुनिया के अलग अलग कोने में सेम एज के अगर लोग हैं सब सेम एक्सपीरियंस कर रहे होंगे नहीं अगेन ये वही वाली बात है कि आपके घर का बच्चा उसका बचपन अलग होगा एक रोड पे बलून बेचने वाले बच्चे से तो एज सेम है लेकिन बचपन अलग है तो ये सोशल कंस्ट्रक्शन है एडोलेसेंस इज जनरली टू बिगिन विद प्यूबर्टी द प्रोसेस दैट लीड्स टू सेक्सुअल मेच्योरिटी एंड द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने यानी प्यूबर्टी हिट होती है इस स्टेज में यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर लेकर के जाती है सही बात है तो एक ही बात गलत थी जो हमें चाहिए थी बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर देखिए देखिए क्वेश्चन खूब लेंदी है या तो चार चार ऑप्शन हैं या आजर्शन रीजनिंग वाले छह क्वेश्चन हैं तो इनको सोल्व करने में टाइम लगेगा और आपको अगर टाइम बचाना है तो आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप मतलब आपको ये लगे कि जल्दी सॉल्व हो पा रहे हैं क्वेश्चंस और वो प्रैक्टिस धीरे धीरे होगी सिर्फ स्पीड बन जाएगी तो कोई फायदा नहीं है और एक्यूरेसी में रह जाएंगे तब भी कोई फायदा नहीं है स्पीड क्या है जल्दी सॉल्व कर देते हैं एक्यूरेसी क्या है सही सॉल्व करते हैं तो सही तो सॉल्व कर रहे हैं लेकिन ढाई घंटे के पेपर को पांच में करके आएंगे तो किसी काम की नहीं है और तेज सॉल्व कर देते हैं बट गलत सॉल्व करते हैं तो उसका भी फायदा नहीं है दोनों का बैलेंस बनाना है हमें स्पीड और एक्यूरेसी का और वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बन जाएगा हमारे पास समय है तीन महीने से ज्यादा का देखिए वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियोज आर एन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्यों भाई फॉर्मेटिव असेसमेंट जहां बच्चे को मोए मोए हाँ बहुत बढ़िया जो जहां बच्चा रचनात्मक रूप से यानी एक्टिविटी करके आप उसको आकलन कर रहे हैं उसका ठीक है पोर्टफोलियो में एक पूरी फाइल है आपका कच्चा है आपके अच्छा बुरा सब होगा बच्चे का उसमें मतलब अच्छा जो भी उसकी विशेषता है वो तो होंगी होंगी तो कैसे हम जांच सकते हैं दे इन्वॉल्व स्टूडेंट इन दी प्रोसेस ऑफ असेसमेंट हाँ इन्वॉल्व होता है बच्चा दे ऑफर इन अबाउट प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स कि आपका बच्चा किस क्षेत्र में अच्छा है ये उस पोर्टफोलियो फाइल से पता लगेगा फोकस मेनली इन दी प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट नहीं 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 प्रोसेस पे फोकस्ड रहेंगे यहाँ पे ना कि अंतिम उत्पाद पे कि कितना परसेंट आए इस बात पे नहीं बल्कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है वो किस तरफ क्या उसके अचीवमेंट्स हैं किस क्षेत्र में वो अच्छा कर सकता है तो ये बात यहाँ नेगेटिव है दे ऑफर टेंजिबल एविडेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग छात्र के जो अधिगम का तरीका है उसका ठोस सबूत है क्योंकि बच्चे के बच, मान लीजिए आपके बच्चे ने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया वो फर्स्ट आया वहां पे या सेकेंड आया उसमें म्यूजिक में रंगोली में किसी और चीज में नुक्कड़ नाटक में पार्टिसिपेट किया तो वो सब चीजें उस पोर्टफोलियो की फाइल में होंगी तो ठोस सबूत हो गया ना कि वो कैसे सीखता है इस बात का कोई डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया मान लीजिए तो स्कूल के पास या टीचर के पास वो होगा ए बी डी सही है जो कि आप लोग शायद दे भी रहे होंगे बी ऑप्शन सिक्सटी टू परसेंट लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे देखिएगा अगर हम बात करें हा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव की क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव देखेगा आप मिडिल स्कूल टीचर अब ये मिडिल स्कूल लिखा हो प्राइमरी लिखा हो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है बस ये हवा बनाने के लिए लिख देते हैं जनरली मैंने तो आज तक देखा नहीं है एक भी क्वेश्चन जिसमें अगर आप मिडिल स्कूल ना सोच करके प्राइमरी स्कूल बहुत रेयर एक आध क्वेश्चन कभी आया हो तो आया हो कि जिसमें आपको इस बात का ध्यान रखना हो अदरवाइज क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है बच्चे के हित में ही बात करनी है चाहे मिडिल स्कूल हो चाहे प्राइमरी स्कूल का टीचर हो देखना यार एक बार आ, आप मिडिल स्कूल हमें एट्टी मिनट हो चुके हैं मतलब नब्बे मिनट डेढ़ घंटा अब वही यार क्योंकि मिनट एक क्वेश्चन पे क्योंकि डिस्कशन इतना लंबा हो जाता है हिंदी इंग्लिश देखिएगा अब मिडिल स्कूल टीचर वांट्स टू एनेबल मीनिंगफुल लर्निंग बाय हेल्पिंग स्टूडेंट्स मेक कनेक्शंस बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन यानी एक टीचर है जो बच्चे को जो किताबी कॉन्सेप्ट है और जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है उसकी दुनिया में कैसे उसको लागू किया जा सकता है जब आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं और उसको लागू करने की बात कर रहे हैं तो वो चीजें कनेक्ट करवा पा रहे हैं टीचर रियल लाइफ की दुनिया से कनेक्ट करके पढ़ाते हैं बहुत अच्छी बात है ये कौन सी एक्टिविटीज अप्रोप्रिएट हैं ट द स्टूडेंट लर्न बाय द मैथड ऑफ स्टलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग की बात दूर दूर तक नहीं होगी बच्चों को एक्टिव रखने की बात ढूंढिएगा ना आपके सिलेबस में ना आपको पढ़ना है लेट द स्टूडेंट रिसर्च ऑन आपको बच्चे को एक्टिव रखना है सिंपल बात कहा गया है कि वो टीचर बच्चे की रियल लाइफ और कॉन्सेप्ट को जोड़ना चाहते हैं तो कौन सी एक्टिविटी कराना सही होगा अभी जनवरी वाले ही क्वेश्चन है भाई तो लेट द स्टूडेंट रिसर्च ऑन करंट इशू इन स्मॉल ग्रुप बच्चे साथ में मिलकर सीखेंगे ज्यादा एक्टिव होंगे ट द स्टूडेंट्स मेमोराइज ये तो अपने आप में नेगेटिव वर्ड है कि रट्टे लगवा दो बच्चे को परिभाषा याद करवा दो इससे कोई किताबी किताबी बात कितावी रह जाएगी रियल लाइफ से नहीं जुड़ पाएगी लेट देंट कंप्लीट वर्कशीट विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो इसमें भी उतना एक्टिव नहीं है ना बच्चा जितना वो रियल वर्ल्ड में कोई एक्टिविटी करके सीख लेगा जो कि बी ऑप्शन में सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा जहां है वही सही उत्तर है बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स देखेगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स सुजाता पार्टिसिपेट्स ईगरली इन द डांस कॉम्पिटिशन ओनली बिकॉज शी इज इंटरेस्टेड इन विनिंग द फर्स्ट प्राइज ऑफ कैश यानी सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है सुजाता डांस कंपटीशन में इसलिए पार्टिसिपेट करती है क्योंकि चेक मिलता है या नगद बिल्कुल करारे नोट मिलते हैं फर्स्ट आने पे इसलिए वो पार्टिसिपेट करती है रीजन क्या है बाहर है रीजन क्या है रिवॉर्ड है मास्टरी में तो रीजन बाहर नहीं होता भाई मास्टरी ओरिएंटेशन में तो सीखने में मजा आ रहा है वो आमिर खान वाला एग्जाम्पल छाछड़ वाला डिग्री भी नहीं मिली लास्ट में लेकिन सीखने में मजा आ रहा है तो मास्टरी तो ये हो नहीं सकती फेलियर अवॉइडेंस भी नहीं है क्योंकि उसको फेलियर का डर तो है नहीं उसको तो फर्स्ट आना है किस लिए क्योंकि रिवॉर्ड मिलेगा इंट्रेंसिक मोटिवेशन है तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन इन्होंने यहां दिया नहीं नहीं तो परफॉर्मेंस भी सही हो जाता इंट्रेंसिक मोटिवेशन होती है आंतरिक अभिप्रेरणा जिसका रीजन अंदर हो जो मास्टरी ओरिएंटेशन में मिलेगी आपको तो ये अंदर तो नहीं है इसका रीजन तो बाहर है कैश है बिल्कुल खरा कैश एकदम एक्सट्रेंज मोटिवेशन है ये एक्सटर्नल रीजन 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 है 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 बाहर बाहर कोई 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 रिवॉर्ड रिवॉर्ड हो 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 मनी भी अगर तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन देखो तीन सवाल और रहते हैं भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्साम्पल ऑफ अ क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन कौन सा एक क्वेश्चन है जो ब, बच्चों को Uh, जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में विश्लेषण मतलब दिमाग लगेगा एनालिसिस लगेगा थिंकिंग लगेगी दिमाग पे जोर पड़ेगा हाउ डज सिंबोलिज्म इन टू किल अ मॉकिंग इन टू किल अ मॉकिंग किलर्ड तो में आई थिंक ये स्टोरी है मेरे को अब तो बहुत टाइम हो गया स्कूल में है किसी एक, एक, एक स्टैंडर्ड में टेंथ में पता नहीं किसमें चेक कर लेना सेठथ में हो गया आई थिंक तो अगर हम बात करें एक, एक, एक कहानी या कविता है टू किल अ मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं अब यह जरूरी नहीं आपने पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ हो तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे मुझे भी नहीं पता मैंने भी नहीं पढ़ी शायद स्कूल में पढ़ी होगी भूल गई होंगी ठीक है या हो सकता है सीबीएसई में रही हो और इस एज में मैं यूपी बोर्ड से पढ़ रही थी तो यह भी हो सकता है तो टू किला मॉकिंग बर्ड में कैसे ऑथर सिंबोलिज्म का यूज करता है जैसे ये हाउ लगा हुआ हो ना किसी क्वेश्चन में समझ जाओ उसमें सोचना पड़ेगा हाउ एक शब्द में जवाब नहीं बनेगा फिर भी हमें बाकी ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे हु इज ऑफ टू मॉकिंग बर्ड इसको आपकी मॉकिंग बर्ड की जानकारी नहीं चाहिए चैप्टर की नॉलेज नहीं जाननी है इस क्वेश्चन से आपकी।, आपकी सोचने की क्षमता को टेस्ट करना है कि कौन से क्वेश्चन से बच्चा एनालाइज करने पे मजबूर होगा दिमाग पे जोर डालेगा विश्लेषण करेगा खोलेगा चीजों को तो हु में तो सिर्फ वन वर्ड आंसर आ जाएगा ना कौन था प्रोटेगनिस्ट तो वो बता देगा फलाना था या ये एग्जाम्पल एक्स था या वाई था तो इसमें कुछ दिमाग तो लगा नहीं रिकॉल करने की क्षमता लगी है। बस रिट्रीव किया और बता दिया तो इसमें तो कुछ थिंकिंग लगी नहीं क्या एनालिसिस लगा है वॉट इज द्लॉट ऑफ द नॉवल अब वॉट में भी आपका एक वन वर्ड जवाब होगा या एज इट इज जो लिखा होगा उसमें आपकी थिंकिंग नहीं लगी आपकी मेमोरी यूज हुई है व्हाट इज द थीम ऑफ दी नॉवल इसमें भी जिसने पढ़ी है तो वो याद करके बता देगा जो पढ़ी है रिकॉल करके ये थीम है जी कैसे सिंबोलिज्म का यूज हुआ है किसी कविता में अब कैसे में सोचना पड़ेगा यही है कि यहां पे एनालिसिस लगेगा ये ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है।, एक है इसको क्रिटिकल थिंकिंग भी आप कह सकते हो जिसमें इस तरह से वो पूछेगा तो वो हाउ की तरफ जाना आपको वन वर्ड आंसर की तरफ नहीं जाना कि जिसमें वॉट पूछा हो हु पूछा हो तो उसमें ज्यादा सोचने का विचार करने का मौका मिलता नहीं है हाउ में मिलता है या वाय में मिलता है ठीक जीन प्याजे बिलीव दैट नॉलेज इज जीन प्याजे का मानना था कि ज्ञान क्या है बच्चे लिटिल साइंटिस्ट है तो ज्ञान का सृजन करना संभव है ये मानना था को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर भैया भैयाओ की बात तो कर रहे हैं वाइगॉस की और ये प्याजे के साथ जोड़ना चाह रहे हैं यहां तक तो बात ठीक थी लेकिन अब गड़बड़ हो गई अब विजिबल बिहेवियरल चेंज दैट कैन बी मेजर्ड विद रिलायबिलिटी बिहेवियरल चेंज की बात ना प्याजे करेंगे व्यवहार परिवर्तन की बात नहीं करेंगे ना प्याजे ना वाइगोस की व्यवहारवादी लोग करते हैं जिनको आपको पढ़ना ही नहीं है सी डेट में कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास्ड पैसिवली पैसिवली पास करने की बात प्याजे वाइगॉस की कर ही नहीं सकते एक ही ऑप्शन बचता है इनेट एंड गिवन रेदर देन एक्वायर्ड थ्रू इनर ये तो खतरनाक है भाई क्वेश्चन क्या पूछा है अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होगा नहीं ये तो गलत हो जाएगा एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता नहीं पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से नहीं ऑप्शन बचता है ये जेनेटिक एपस्टमोलॉजी की तरफ लेकर के जा रहे हैं हमें क्योंकि प्याजे क्या थे जेनेटिक भी थे एंड गिवन देन एक्वायर्ड थ्रू मुझे थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन पे है ना एक बार ये मुझे देखना पड़ेगा दिखाना जरा क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है एक मिनट रुकना ये मैं चेक कर लेती हूँ क्योंकि पॉसिबिलिटी है इसकी लेकिन ये थोड़ा आपसे मजे लेने के लिए पूछा गया क्वेश्चन लग रहा है मुझे ऐसी भी क्या दुश्मनी थी जो ये पूछ लिया हाँ सही तो है थर्ड ऑप्शन सही है ना इसमें कंस्ट्रक्टेड बाय बाई चाइल्ड रेदर देन पैसिवली हाँ सी ऑप्शन सही है सही है सही है इसमें ये पढ़ाई गलत था मैंने थर्ड नहीं डी कैसे हो जाएगा भाई क्योंकि तो ये तो इंटरेक्शन को जीरो कर दिया मतलब पैसिव कर रहे हैं मेरा दिमाग ही घूम गया एपिस्टेमोलॉजी की तरफ ले जा रहे हैं शायद देखना एक बार अगर हम बात करें ये दोनों देखो सारा खेल पढ़ने का है अगर पेडागोजी में आपने सही से पढ़ के नहीं समझा आपका सारा ज्ञान एक तरफ रखा रह जाएगा इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ठीक है ना सी एट फीस कम करो क्या करें भाई इतनी कम फीस है इतने सारे टीचर्स हैं आप खुद सोचो ना यही क्लास ऑफलाइन लेके जाते क्या होता और वो गूगल ने बढ़ाई है फीस हमने नहीं बढ़ाई है मतलब टैक्सेस टैक्सेज का है कुछ कंस्ट्रक्टेड बाय दी चाइल्ड रेदर देन पैसिवली वेबसाइट से ले लो डिस्काउंटेड फी में ही मिलेगा बैच वेबसाइट पर जाके ले लो करियर विल डॉट कॉम पर जाके यहाँ लिंक भी दिया हुआ है आपको पिन कॉमेंट में खैर पे आजे पे वापस आते हैं ये सब बातें चलती रहेगी आप लोगों का भी पूरा पूरे मजे लेते हो क्लास में भर कि बीच में ऐड आ रहे हैं ये हो रहा है देखो एक बार कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास्ड पैसिवली फ्रॉम द एनवायरनमेंट पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय अब ये क्या किया मैंने वो गलती की जो मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूं सिर्फ टैग वर्ड या की वर्ड से याद मत करिए करिएट के पेपर को कि एक दिन पहले की देखेंगे या टैग वर्ड देखेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड देखेंगे और पेपर में चले जाएंगे ये निष्क्रिय देखा और ये बात मैं पता नहीं कितनी बार कही है निष्क्रिय देखा और कहा कि निष्क्रिय तो नहीं बच्चा जबकि पूरे सेंटेंस को नहीं पढ़ा कि बात किस तरह से कही जा रही है तो वो पॉजिटिव बात भी नेगेटिव हो जाती है पेडागोजी में अगर सेंस गलत हो तो पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय ज्ञान बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है यानी बच्चा कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज है लिटिल साइंटिस्ट है वो तो नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करता है ना कि पैसिवली रिसीव कर लेता है ये बात यहां गलत हो जाती कि इनेट होता है इनेट कुछ हद तक हम मान सकते थे क्योंकि इन्होंने जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी की बात की है जो ये कहते हैं कि हेरिडेटी हेरिडिटी को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है यानी आपके जेनेटिक्स को लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि इंटरेक्शन की जरूरत ही नहीं है तो इसलिए डी पूरी तरह से सही हो ही नहीं सकता था यहां तक फिर भी कुछ हद तक मान लेते सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कोलबर्ग आ गए हैं जवाब दीजिएगा कोलबर्ग का दूसरा क्वेश्चन है अब पिछले कई बार से कम से कम दो क्वेश्चन आ रहे हैं कोलबर्ग से तो ये थियोरी इंपॉर्टेंट हो जाती है एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ कैरल ग्लिगन क्रिटिक ऑफ कोलब्स थियोरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज अराउंड कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरल ग्लिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है कैरल ग्लिगन कोलबर्ग की ही स्टूडेंट हैं अभी भी हैं कोलबर्ग नहीं है कैरल ग्लिगन है फीमेल हैं एक इन्होंने कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थियोरी को क्रिटिसाइज किया आलोचना की इसकी फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये नारीवादी ही नहीं है इसमें फीमेल्स के परस्पेक्टिव को ध्यान में ही नहीं रखा हुआ इसमें सारे सैंपल्स जब ये थ्योरी बनाई गई थी तो मेल्स थे बॉयज को 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 लिया या, मेल्स को लिया लिया मेल्स इसमें फीमेल सैंपल्स ही नहीं गया फीमेल्स कैसे सोचती हैं इस पर पे पे फोकस है ही नहीं ये जेंडर बायस थियोरी है ऐसा कैरल ग्लिगन कहती है तो और वो कहते हैं कि जो फीमेल्स की मॉरलिटी है वो केयर बेस्ड ज्यादा होती है उनमें भावनात्मकता ज्यादा होती है यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन स्टडी चिल्ड्रन नहीं

कोलबक की थियोरी है लास्ट क्वेश्चन है अजर्शन और रीजनिंग का फिर उसके बाद आप बताएंगे कि आपका कितना स्कोर रहा अजर्शन क्या है द लेस एबल अ चाइल्ड इज टू डू अ टास्क द मोर डायरेक्शन शुड गिव एंड एज द चाइल्ड कैन डू मोर एंड मोर द टीचर शुड हेल्प लेस एंड लेस एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने की जरूरत है मतलब बच्चा अगर ज्यादा अटक रहा है तो आप ज्यादा हेल्प करेंगे स्वाभाविक सी बात है जहां जहां अटकेगा अब इसमें आगे क्या है एंड एज द चाइल्ड कैन डू मोर एंड मोर द टीचर शुड हेल्प लेस एंड लेस जब बच्चा खुद से ज्यादा करने लगे तो आप धीरे धीरे वो मदद हटा सकते हैं स्कैप वाला कॉन्सेप्ट है कि जहां अटके वहां मदद दो नहीं तो करने दो खुद से ट्रू है ये बात रीजन क्या है इसका इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय कैलक्यूलेटिंग आईक्यू बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीकता से नहीं मापा जा सकता यानी सिर्फ आईक्यू टेस्ट के माध्यम से आप किसी को बुद्धिमान नहीं कह सकते या सटीक तरीके से से एक्यूरेटली बुद्धि को को मापा जा सकता है आईक्यू टेस्ट के माध्यम तो तो थॉमस एल्वा एडिसन को तो स्कूल में उनके विद्वान टीचर्स ने बेवकूफी घोषित घोषित कर दिया था उस समय तो वो तो इंटेलिजेंट होते ही नहीं है हार्वर्ड गार्डनर यही बात कहते हैं अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियोरी में आपके सिलेबस में भी है कि आईक्यू Uh, एकमात्र तरीका नहीं है या सटीकता से बुद्धि का मेजरमेंट नहीं कर सकता वो आई के बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं है ठीक है ना तो ये बात सही है कि एक्यूरेटली माप सकता है आई क्यू ये कहना गलत होगा तो ये बात भी सही है क्या है ये दोनों एक दूसरे के लिए सही है बताओ फटाफट बताओ फोर्टी सिक्स परसेंट लोग सी कह रहे हैं शर्म नहीं आती है अभी तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि पहला दिन है अभी आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे है ना सी ऑप्शन नहीं होगा कैसे हो जाएगा सी ऑप्शन ये तो देखो एक पीछे तो देखो देखो एक बार। एक बार बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षक को उतनी हेल्प करनी चाहिए बात सही है है लेकिन इसका रीजन ये है क्या कि आईक्यू को मतलब इंटेलिजेंस को आईक्यू से नहीं मापा जा सकता यहां बात हो रही थी बच्चे के सीखने की यहां इंटेलिजेंस पे चले गए टॉपिक अलग है है ना रामायण खत्म हो गई पूछ रहे फलाना फलाना तो ये तो दो अलग अलग बातें चल रही हैं ठीक है ना ये चलता था ना जोक बचपन में तो अगर हम देखें तो ये बात ट्रू है लेकिन ये बात भी ट्रू है अपने आप में लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए ट्रू नहीं है क्योंकि इस कथन का ये कारण नहीं हो सकता है ना ये कारण सही नहीं है तो दोनों इंडिविजुअल्स अपने आप में ठीक हैं सीता और राम वट मतलब ये तो खैर गलत हो जाएगा आजकल रिलीजियस इतनी हो गई गए चीजें कुछ और नाम लेते हैं यार है ना वो एक दूसरे के लिए भी ठीक थे अपने आप में भी ठीक थे कुछ और ले लो मानते हैं ये रोहन है ए ऑप्शन और ये रिया है अब रोहन भी एकदम बढ़िया इंसान है रिया भी एकदम बढ़िया इंसान है लेकिन ये रिया रोहन के लिए ठीक नहीं है रोहन रिया के लिए ठीक नहीं है इसका मतलब बोथ ए आर आर ट्रू बट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए समझ पा रहे हो ना बात को आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए आर जो है बोथ ए एन आर आर ट्रू बट ए की सही व्याख्या आर नहीं कर पा रहा रिया सही नहीं समझ पा रही रोहन को है ना गलत समझ रही है दोनों अपने आप में सही है लेकिन इसलिए ब्रेकअप हमें कराना पड़ा यहां पर क्लियर बात है आउट ऑफ थर्टी क्वेश्चन कितने ठीक हुए तो ये बता दो बहुत समय लगा हमें इसको एनालाइज करने में डिटेल में करना जरूरी था डिस्कशन किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए ये मैंने यहाँ पे प्रॉपर एनालाइज करके आपके सामने रखा हुआ है फर्स्ट यूनिट का महत्व तो बहुत है सेकेंड का बहुत है थर्ड तो आप एक दिन में भी चाहें तो कर सकते हैं कोई बहुत ज्यादा थर्ड में इतने पंगे नहीं है है ना 19 आउट ऑफ 30 देखो अभी ना आपको पढ़ने की अप्रोच डेवलप हो जाए कि पढ़ के समझ में आने लगे एटलीस्ट क्वेश्चन बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे आप टॉपिक करते जाएंगे इसका पीडीएफ विद आपको यहां मिल जाएगा लेट्स लर्न अगर आप बैच में एनरोल करने की इच्छा रखते हैं तो आप आ जाए करियर ऐप पे वहां जाएं टीचिंग सेक्शन में और एप रजिस्टर करके वेबसाइट से कोर्स लेना वहां पर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब होपफुली आपने कर दिया होगा रात के बज गए ग्यारह बाकी बी और ऊन कॉन्स्टेंट अपने साथ बने रहें कल मिलेंगे नौ बजे कल आ, हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी कैसे आप 130 स्कोर कर पाएंगे सी टेट में क्या स्ट्रेटजी आपकी रहनी चाहिए और परसों हम पेपर वन का एनालिसिस करेंगे ठीक है ना एस एस टी भी पढ़ाओगे यार एस एस टी पढ़ाएंगे तो नहीं बट कोशिश रहेगी कि एक दो सेशन ले पाएँ थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपका बन पाए टाइम रात को नौ बजे है जी आज सवा नौ से ज़्यादा हो गए थे नौ ही शुरू करेंगे कल बैक टू बैक क्लासेज हो जाती हैं आप अच्छी हैं और पढ़ाई भी मस्त है थैंक यू जी चंदन थैंक यू सो मच आज के लिए हम इतना ही रखेंगे धन्यवाद आप सभी का कल मिलते हैं नौ बजे होपफुली आपके कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे सिर्फ सवाल आपने सॉल्व नहीं किए होंगे अच्छा एक बात कॉमेंट्स में बता दो कितने लोगों को आज आ, इसका बफरिंग का सामना करना पड़ा बफरिंग हुई या नहीं यस और नो लिख दो बफरिंग यस और नो एक बार अगर हुई है तो छोड़ देना एक बार से ज्यादा हुई है तब नो लगाना मतलब यस लगाना है ना कितने लोगों को बफरिंग का सामना क्योंकि यहां से ठीक था बीच में शुरुआत में एक बार बफरिंग हुई थी उसको इग्नोर करके उसके अलावा अगर बफरिंग हुई है तो बताना लिखो मत अभी मैं पोल आपके सामने आ रहा है आप पोल चूज कर लेना तो हमें आइडिया लग जाएगा बफरिंग हुई या नहीं एक बार से यदि ज्यादा हुई है तो यस सेलेक्ट करो नहीं तो मत करो अगर एक बार से ज्यादा बफरिंग हुई है तो यस पे लगाना है नहीं तो ये नहीं कि बस यस यस सर यस सर नहीं करना है सही सही बात बतानी है फटाफट से बताओ बहुत बढ़िया फटाफट बताओ फटाफट Uh, क्या पूछ रहे हो भाई लास्ट क्वेश्चन का आंसर गलत टिक कर दिया आपने ऐसा हो जाता है यार कई बार मैं ना फ्लो में बताती सही ही हूँ और टिक कई बार गलत हो जाता है अभी देख रही हूँ मैं एक मिनट रुक जाओ फिफ्टी फिफ्टी परसेंट पर आ गए यार आप लोग तो यस yes का जवाब क्यों इतना जल्दी खुश हो कि यस yes, थोड़ी करना होता है हर चीज़ में मतलब चलो एक बार कल भी देखेंगे क्योंकि यहाँ से बाकी क्लासेस में दिक्कत नहीं आती ये पिछले से पिछले बार ऑगस्ट से ही थोड़ी बहुत दिक्कत कभी कभी देखने को मिल रही है बट क्लासेस तो ठीक है यार आपकी मैराथन वगैरह भी ठीक ही चली थी लास्ट क्वेश्चन में कोई कह रहा है कि गलत आपने टिक कर दिया देखो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन सही तो अच्छा ये डी ऑप्शन मैंने सी कर दिया था कि हाँ ए तो और आर आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की अपने आप में ये स्टेटमेंट सही है चलो जी टेक केयर बाय बाय कल मिलते हैं